Mr. Devendra Yadav amongst us. He's going to be sharing his journey with us in the very brief time he has taken out of his busy schedule. He's presently an MLA and a mayor for the Municipal Corporation of Bhilai. He's the youngest mayor from Chhattisgarh. He's also the youngest MLA in the Chhattisgarh State Assembly, and he was awarded the best district president in 2011 when he was working with the NSUI. And due to the continuous efforts, he was felicitated by Rahul Gandhi as the best regional president of NSUI in 2012. And being a mayor and an MLA at the same time, he's very, very popular among the youngsters in his constituency, and he makes sure that he meets them and greets them whenever he interacts with them. He will be sharing a couple of instances from his journey throughout in terms of how he has managed to connect with the young minds there. He is actively looking forward to ideas from all of us, and also he's looking for young talent to join him in his team in whatever initiatives he has been involved. I'd like to invite Mr. Devendra Yadav. We'll have Mr. Suyash from our team who will be moderating the session. I'd like to have him over. Okay, so Suyash will be here after Mr. Devendra is done sharing with some of his experiences. Over to Mr. Devendra. Thank you. जब मुझे इस बारे में जानकारी मिली कि मुझे आप लोगों के बीच में आना है तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं जो ऑडियंस रहेंगी वो कौन है, कौन कहाँ कहाँ से बच्चे आएंगे. इसके बाद जब मुझे पता चला कि पूरे देश भर से, विभिन्न राज्यों से इतने सारे स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, और जो सबसे ज़बरदस्त माइंड्स है हमारे देश के, वो इस प्रोग्राम में शरीक करेंगे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे क्या बोलना है, ये मेरे लिए एक चैलेंज हो गया. एज अ यूथ, जैसे आप हैं, हम हैं, सब एक एज ग्रुप के हैं, लगभग एक एज ग्रुप के हैं, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे बोलना क्या है, और मैं तैयारी करने की सोच रहा था कि कुछ तैयारी करता हूँ इसके लिए, किसी टॉपिक पर बहुत सारी डिटेल डिस्कशन करूँगा. लेकिन फिर यहाँ पर आया आज तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ये जगह ऐसी है जहाँ पर दिल की बात करनी चाहिए. बहुत पॉलिसीज़ के बारे में, बहुत इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करके बहुत कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब चीज़ों को समझते हैं और सभी चीज़ों से लगातार उसको अपनी लाइफ में देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. तो मुझे लगा कि चलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. पॉलिसी बूट कैंप के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में इस तरीके से आकर अपनी बात रख सकूँ. मैं शुभम को बहुत आभार करता हूँ, सुयश को बहुत आभार करता हूँ, रवि का आभार करता हूँ, और आप सभी साथियों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं. यहां पर उपस्थित मीडिया के साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं. अब बात ऐसी है कि देश के अंदर सबसे युवा महापौर के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है. मैं 25 साल 8 महीने की उम्र में मेयर बना. हमारे यहां मेयर के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ आपको. डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, 46,000 वोट से जीता मैंने इलेक्शन. इसके पहले जो मेरे जो जीवन की शुरुआत हुई उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आप मुझसे अच्छे से फिर मुझे भी समझ पाए. था 4 साल का हुआ तो पिता मेरे हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट में पंप ऑपरेटर के रूप में काम करते थे, तो बड़े भाई बहन भी पिताजी के साथ भिलाई में रहकर पढ़ाई कर रहे थे. माँ ने मुझे भी भेज दिया, मैं भिलाई आ गया, और वहाँ से
मेरी भिलाई की जर्नी शुरू हुई। मैं स्कूल्स में जब था, पॉलिटिक्स में या राजनीतिक जीवन में मेरी शुरुआत कैसे हुई और मेरा विचार कहाँ से आया कि मुझे इस पे जाना है, ये मैं समझ नहीं पाया कि मैं इस जगह पे कैसे आया। लेकिन बचपन से ही जो एक चीज़ मेरे अंदर थी वो ये था कि जो भी मेरे आसपास हो रहा है उस पे मैं अपनी बातें रखता था, रिएक्ट करता था। मुझे याद है मैं क्लास 11th में था, उस समय स्टार्टिंग था क्लास 11th का। उस समय हमारे स्कूल में एक ऑर्डर आया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग स्कूल के अंदर ही करनी है। फर्स्ट शिफ्ट में आपकी एकेडमिक्स होगी, स्टडीज़ होगी, इसके बाद आप ट्यूशन्स के लिए अपने ही स्कूल में शाम को आओगे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो ठीक नहीं है, इस पे तो हमारी आज़ादी होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। मैं अपने क्लास के स्टूडेंट से डिस्कशन किया, सीनियर से डिस्कशन किया, हम लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ पहला आंदोलन किया अपने स्कूल में। हम लोगों ने इस विषय पर अपनी आपत्ति जताई। हम शाम के वक्त गए सारे लोग, लेकिन हमने वहाँ पर कहा कि हम ट्यूशन्स कोचिंग्स यहाँ पर कंपलसरी नहीं करेंगे, जिनको करना है वो करेंगे, लेकिन आप इसको कंपलसरी कहेंगे तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर स्कूल्स में हमारे यहाँ एक अच्छी पद्धति थी, हमारे यहाँ इलेक्शन होते थे स्कूल में, तो 11th में इलेक्शन लड़ा मैं, हाउस कैप्टन का जीता, 12th में तो निर्विरोध जीत गया इसके। हाँ, 12th में मतलब ऐसा हो गया था कि एक तो स्कूल में जब हम रहते हैं, हमारे एकेडमिक में भी हमारे अगर अच्छे मार्क्स रहते हैं, इसके बाद हम बाकी एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स में भी अच्छे रहते हैं, तो हमारा स्कूल में थोड़ा एक ऐसा रुतबा हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, इसको बनने दो। उस समय टीचर्स नहीं जा रही थी मैं चुनाव लड़ूं, और मेरे खिलाफ कोई और भी लड़े ये भी चाह रहे थे, लेकिन स्टूडेंट चाहते थे कि नहीं भाई, ये हमारा हाउस कैप्टन तो यही रहेगा। तो 12th में फिर से मैं इलेक्शन जीता। इसके बाद सोचा कभी नहीं था कि राजनीति में आऊँगा, कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा कि पायलट बनूंगा। मैं MP फ्लाइंग क्लब भोपाल में मैंने एडमिशन ले लिया, वहाँ पर गया और स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मेरा बना और मैं अपने स्टार्टिंग जर्नी मेरी चालू हो गई। कुछ महीने वहाँ रहा, इसके बाद मुझे लगा नहीं यार, ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं इससे बेटर कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ ये नहीं पता था मुझे, लेकिन मुझे ये ज़रूर था कि मैं इससे बेटर कर लूँगा। मैं अपनी पढ़ाई मैंने वहाँ पर स्टॉप की, मैं वापस भिलाई आ गया, घर वालों के पैसे बर्बाद किए, घर वालों की खूब डांट सुनी, क्योंकि छोटी सी उम्र थी मेरी, 7वीं कक्षा, इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए थे। तो बड़े भाई और माँ ने मुझे सपोर्ट पाला और मेरी पढ़ाई के सारे खर्च, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है जब एक बार आप 3-4 लाख रुपए कहीं पे एडमिशन फीस के रूप में दे दो और उसको बर्बाद कर दो, उसके बाद कभी घर पे क्या माहौल रहता है आप समझ सकते होंगे उसको। तो मैं फिर वापस आ गया, घर वालों का प्रेशर था, मैं बोला नहीं यार, मैं तो बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस कर सकता हूँ। अच्छा, मैं घर से चला गया उड़ीसा, भिलाई से उड़ीसा चला गया, वहाँ मैंने कुछ किया 2-3 महीने, फिर वहाँ से भी वापस आ गया। मैं बोला यार ये भी नहीं हो पा रहा है मेरे से, फिर मैं बोला वापस पढ़ाई करूँगा। तो मैंने फिर PET के उस समय PET की तैयारी चालू की। मैं बोला कि अब मैं इंजीनियरिंग करूँगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी है मुझे। मैंने इंजीनियरिंग, ये मैं सीधा टॉपिक पे भी आ सकता हूँ, अगर आप कंफर्ट हो तो मैं अपनी जर्नी आपको बता सकता हूँ। हाँ, आप बताइए आप। अच्छा ठीक है, छोटी सी है, जल्दी इसको कंप्लीट कर लूँगा। मैं नहीं चाहता कि आपका समय ज़ाया हो, आपको कुछ सीखने समझने मिले, मैं यही चाहता हूँ। और वैसे हम लोग सब सेम एज ग्रुप के हैं लगभग, तो मैं भी आपसे सीखूंगा, आप भी मुझसे मेरी जर्नी से कुछ सीखेंगे। तो मैं इसके बाद कंप्यूटर साइंस PET की तैयारी की, मैंने उसको सिलेक्शन भी हो गया कंप्यूटर साइंस में, मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया, क्लासेस में गया, कुछ दिन क्लासेस की, इसके बाद मेरे को लगा यार मज़ा नहीं आ रहा है, मैं लगा कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और बिजनेस भी चालू करता हूँ, मैंने साइड में बिजनेस चालू कर दिया। घर में मैं कहता था कि
रात में पढ़ाई करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में उस समय रहता था और हम लोग आगे की अपनी प्लानिंग करते रहते थे, लेकिन पढ़ाई भी साथ ही साथ चल रही थी। फिर वही हुआ जो स्कूल में हुआ था। हमारे कॉलेज में अटेंडेंस शॉर्ट के नाम से फाइन आ गया कि सबको फाइन देना, इतने पैसे देने हैं, ये वो। और मैं वैसे भी कॉलेज कम आता था, तो मैं एक दिन जब कॉलेज पहुंचा, वो किस्सा आपको बताता हूं। मैं वैसे 15-20 दिन बाद बंक मार रहे थे कॉलेज, 15-20 दिन बाद बंक मार के एक दिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैं देखा कि वहां पर सब बच्चे खड़े हैं बाहर ही, जो साइकिल स्टैंड है वहां पर, और बोले कि भाई ऐसा हो रहा है कि ये फाइन लग रहा है और ये गलत। मैं बोला हाँ हाँ एकदम गलत है, ये तो ठीक नहीं है और हम लोगों को तो इसके लिए बात करनी चाहिए। बोले हाँ तुम लीड करो। मैं बोला हाँ मैं लीड करता हूँ। मैंने मीडिया को, मैंने भी इधर उधर जुगाड़ करके मीडिया को फ़ोन कर दिया, ठीक है, मीडिया के लोग आने लग गए। उतने में हमारा जो कॉलेज का ओनर थे वो पहुँचे, वो जैसे ही पहुँचे तो सारे बच्चे चले गए, मैं बचा था। मेरे साथ दो चार लोग बचे थे, वो दो चार लोग भी, उनको जैसे ही उन्होंने देखा तो वो भी चले गए। फिर फाइनली मैं अकेला बचा, तो मुझे बोले कि तुम अब स्कूल कॉलेज मत आना, बस यही काम करना, तुम सस्पेंडेड हो कॉलेज से। ठीक है, सस्पेंड हो गया मैं, अब घर में तो नहीं बताना था, लेकिन ठीक है, मुझे ये लगा कि मैं सही बात कर रहा था। मैंने उसको छोड़ा नहीं, अपने आइडिया पे कंटिन्यू करने लग गया। मैं यूनिवर्सिटी गया, बात की वहाँ पे कि यार भाई फाइन लग रहा है, गलत है, नॉर्म्स के आधार पे भी नहीं हो सकता ऐसा। तो वहाँ पे भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं लगा रहा। फिर मुझे एक मेरा एक पुराना दोस्त है, उसने मुझे बताया कि NHAI के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो मैं कॉलेज प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद मैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया। और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना तो मैं बोला नहीं, अब तो वो जो मूवमेंट हमने चालू किया था उसको पूरा करना है। मैं सीधा अपने कॉलेज वापस सब बच्चों को लेके आया और इसके बाद जो हमारे मांग थी उसको हमने पूरा किया। ऐसी जर्नी चलती रही। मैं फिर छत्तीसगढ़ का NHAI का स्टेट प्रेसिडेंट बन गया। मुझे लगा कि मेरी जो मेरी चाहत है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वो सारी चीज़ें हो जाती है और मैं कर लेता हूँ, और मैं बहुत पोटेंशियल है मेरे अंदर और मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। ये सारी सोच आ जाती है, थोड़ा सा ज़मीन से एक फीट अपन लोग कभी कभी ऊपर हो जाते हैं, तो वैसे एक फीट में ऊपर हो गया। फिर वहीं मेरे जीवन में दूसरा चेंज आया। दूसरा नहीं, वैसे चेंज तो बहुत सारे आते ही रहे, अभी भी आ ही रहे। तो उसमें एक और बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। जिस पार्टी में मैं था उस पार्टी से मुझे सस्पेंड कर दिया गया, मतलब NHAI से मुझे, कांग्रेस पार्टी से मुझे एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अनलिमिटेड था लेकिन एक साल लगभग टेन्योर था जब मैं सस्पेंडेड था। मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, मेरे पास कार्यालय में दफ्तर था, मेरे पास एक व्हीकल थी जिससे मैं पूरे प्रदेश भर में दौरा करता था, स्टूडेंट से कम्युनिकेशन करता था, वो सब खत्म हो गया एक बार में। मुझे मैं जब कांग्रेस के प्रोग्राम्स में जाता था तो मुझे स्टेज में बुलाया जाता था, बैठाया जाता था, स्पीच देने का अवसर मिलता था, वो सब खत्म हो गया एक बार में, खत्म हो गया। एक कॉन्स्पिरेसी में फंस गया मैं, उसके बारे में बाद शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरा एक ऑडियो वायरल हो गया, ठीक है, मेरे ऊपर करप्शन के चार्जेस लग गए। मैंने दिल से कुछ भी वैसा नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था क्योंकि मैं तो हवे में आ गया था ना कि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, तो उसका मुझे प्रॉपर मेरी व्यवस्था हो गई और मैं सस्पेंड हो गया। मैं सस्पेंड हो गया। इसके बाद मैंने देखा कि जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे, जो लोग मुझे कहते थे कि देवेंद्र तुम ये वो भविष्य ऐसा वैसा, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, लोग मुझसे डिस्टेंस बनाने लग गए। मुझे एक बात का इंसिडेंट याद है। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन हो तो कुछ नहीं पा रहा था मेरे से। मैं यहाँ दिल्ली में भी आके महीनों महीनों बैठे रहता था, जो मेरे सीनियर्स थे NHAI के उनके दफ्तर में जाकर रोया भी कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मुझे फंसाया गया, लेकिन मुझे किसी ने सुना नहीं क्योंकि पॉलिटिक्स इमोशंस से नहीं चलती। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर बनाना कम होता है, निपटाना ज़्यादा होता है। तो मैं निपट गया था उस समय, मैं इस बात को समझ रहा था। तो इसके बाद मैं सोचा कि क्या करूं, अब कुछ करने को तो था नहीं, तो मैंने बोला कि जो पार्टी में चल रहा है उसी का पार्ट बना जाए। मैंने भी अपनी
चीजों को समझना चालू किया कि मेरी कमियां क्या हैं, मेरी खामियां क्या हैं, मैंने किस विषय पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं पहले 11 बजे उस समय सो के उठता था उसके पहले, और रात के 3-4 बजे तक जगते रहता था, बाहर घूमते रहता था। जब सस्पेंड हुआ तो सीधा 6 बजे उठने लग गया सुबह उठता था सुबह जल्दी, और उसके बाद पहले न्यूज़पेपर पढ़ता था कि हाँ भाई क्या चल रहा है प्रदेश देश में, समझा जाए, उसके हिसाब से पॉलिसी बना के काम किया जाए, उसके हिसाब से प्लान किया जाए। एक्टिव ज़्यादा रहने लग गया, कम्युनिकेट करने लग गया, बोलना कम किया, सुनना ज़्यादा चालू किया, एक्टिव लिसनर बन गया, और अपने सर्वाइवल के लिए भटक रहा था। मतलब एक उस समय की घटना मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ नंद कुमार पटेल साहब थे, बहुत 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 अच्छे लीडर थे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक यात्रा चालू की थी, परिवर्तन यात्रा। उस यात्रा में मैं एज अ मतलब उनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जुड़ गया। मैं लगातार पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह पे मैं यूथ को मोटिवेट करता था। मेरी पर्सनल कनेक्टिविटी तो थी, मतलब मेरी दोस्ती तो थी, और यारी दोस्ती के आधार पर राजनीति करते थे, ठीक है, संगठन चला गया, लेकिन पर्सनल रिलेशंस थे। उन सबको मोटिवेट करके, सबसे चर्चा करके, सब लोगों को मैं इन्वॉल्व कर देता था प्रोग्राम में, बड़ी भीड़ करता था। और एक बार के इंसिडेंट बताता हूँ, मैं अंबिकापुर में था, एक उसी प्रोग्राम में मैं स्टेज पे जाके बैठ गया, तो एक जन मेरे पास आया और उस एक पर्ची दी मुझे। मैं सोचा कि कुछ होगा, मैंने पर्ची में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि आप स्टेज में मत बैठें, आप नीचे आ जाए। तो मैं दुखी हुआ उस समय, बहुत दुख हुआ मुझे, यार ये क्या है यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब भी कोई मेंबर के रूप में भी मुझे अप्रिशिएशन ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो मैं फिर वापस नीचे तो आ गया, लेकिन लगा रहा उस पूरी रैली में, उस पूरे प्रोग्राम में, लगातार हर रोज हजारों लोगों को मैं इन्वॉल्व करते रहा। उसके बाद एक घटना के बारे में आपको पता होगा, 25 मई को बस्तर में झीरम अटैक हुआ, जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स, नंद कुमार पटेल साहब, महंत कर्मा साहब, विद्याचरण शुक्ला जी को आप लोग जानते होंगे, देश के बड़े पॉलिटिशियन थे वो, छत्तीसगढ़ के नहीं, देश के बड़े पॉलिटिशियन थे। उन सब लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे हमारे सोल्जर्स मरे। उस अटैक में मैं था, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, मेरे सामने वो सारी घटना हुई, नक्सलियों ने हमारे नेताओं को मारा, हम लोग उसमें से कुछ लोग सरवाइव करके बचे, उनमें एक मैं भी था। जब वो घटना बहुत बड़ी है, उसके बारे में बताऊंगा तो मेरे सेशन का टाइम हो जाएगा। उधर सुयश भी इशारा कर रहा है कि भैया अपने बारे में कम बताओ, टॉपिक पे आओ। तो मैं लेकिन वो थी, कभी आप क्वेश्चन आंसर में अपन लोग उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। उस घटना में मैं बच के आया, मेरे सामने सब कुछ हुआ, मतलब हम लोग साथ में थे, काफिला जा रहा था, अचानक से एक ब्लास्ट होता है, सामने से रोड ब्लॉक हो जाती है, पीछे से पेड़ गिराकर ब्लॉक कर दिया जाता है, एम्बुलेंस लग जाता है, और 10 फीट की एक मतलब हाइट थी, उससे लोग वहाँ से गोलियाँ चला रहे हैं, इसके बाद एक एक करके हमारे सामने लोग मर रहे हैं, और उसमें मैं बच के आया। जब उसके बाद पार्टी को लगा होगा कि है तो होनहार ये लड़का, हर जगह संघर्ष कर रहा है, पार्टी में हर परिस्थिति में खड़ा है, तो पार्टी ने मुझे वापस अध्यक्ष बना दिया, मैं वापस प्रदेश अध्यक्ष बना, और वहाँ से मेरा पॉलिटिक्स की मेरी दूसरी जर्नी चालू हुई। प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, फिर महीने भर बाद राष्ट्रीय सचिव भी बना दिया, गुजरात का प्रभारी भी बना दिया। मैं फिर गुजरात में काम किया, मैंने प्रदेश अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय सचिव बन गया, गुजरात का प्रभारी बन गया, महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया, मध्य प्रदेश भेजा, उत्तर प्रदेश भेजा, पंजाब भेजा, दिल्ली इलेक्शंस जो DU के इलेक्शन होते हैं उसमें कैंपेन इंचार्ज लगातार 4 साल बनाया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इंचार्ज बनाया, पंजाब भेजा, राजस्थान यूनिवर्सिटी भेजा, ऐसे करके देश के विभिन्न हिस्सों में मुझे पार्टी ने फिर यूटिलाइज किया कि चलो इसको लगाएं काम पे, कुछ काम करेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे भेजा, मैं सारी जगह गया, सारी जर्नी चल रही थी मेरी। उतने में मेरे एक बड़े भाई थे, हैं, बड़े भाई हैं,
अभी वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए भूपेश बघेल जी. उस समय वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने नंद कुमार जी के बाद. हम लोग फिर चुनाव हार गए तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उन्हीं के जिले का था. बोले बेटा तुम ऐसे घूमते रहोगे कि कुछ करोगे? मैं बोला नहीं, कुछ करना चाहता हूँ. तो बोले चुनाव है महापौर के. मैं बोला हाँ, मैं महापौर तो बनना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि हाँ ये भी बनना है वो भी बनना है. तो फिर मैं बेसिक्स पे, मैं महापौर क्यों बनना चाहता हूँ, मुझे उन्होंने कहा कि क्यों बनना चाहते हो, इस सवाल इस जवाब के साथ आगे बढ़ना. मैं फिर पूरे अपने नगर निगम क्षेत्र में सभी जगह घूमा, मैंने देखे क्या इश्यूज हैं, सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा. पानी की समस्या समझी, सफाई की समस्या समझी, बिजली की समस्या समझी. पहले तो ऐसा लगता था नगर निगम से हमें लेना क्या है, नगर निगम कभी गया भी नहीं था. लेकिन जब उसके इश्यूज को देखने लग गया तो ये समझ में आया कि नगर निगम से ही लेना देना है एक शहर का. सारी चीज़ें चलती ही नगर निगम से. शहर के अंदर, देश के अंदर तीन सरकारें होती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और इसके बाद शहर की सरकार. तो शहर की सरकार के महत्व उस समय मुझे जब मैं कैंपेन करने लग गया, प्लान करने लग गया, तो मुझे समझ में आया. और फिर मौका भी मिल गया, मौका मिला. 25 साल 8 महीने की मेरी उम्र थी, मैं चुनाव लड़ रहा था, डायरेक्ट इलेक्शन थे हमारे, मेरे खिलाफ. मुझे लगा कि कुछ अच्छा हो जाएगा, इजी कैंडिडेट मिल जाएगा, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ. सिटिंग एमएलए बीजेपी के पहले मेयर थे, फिर एमएलए बन गए, और सिटिंग एमएलए थे, बड़े नेता थे, अभी भी वो एमएलए, उनके खिलाफ वो मेरे खिलाफ लड़े. तो मैं बोला कि यार टफ तो हो गया सिचुएशन, लेकिन उस समय विचार ये थे कि बनना है और बन के तो मैं सब कुछ कर लूँगा, ये सोचता था मैं. बनना है और बन के तो पूरा भिलाई में बदल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे करके मुझे तो आता है सब कुछ करना. मैं उस समय लगभग हर रोज़ कैंपेन में 30-30, 35-35 किलोमीटर चलता था. सुबह 6 बजे से चलना क्या, दौड़ता था मैं, दौड़ दौड़ के लोगों से मिलता था और पैर छूता था. मेरे पीछे के लोग परेशान हो जाते थे कि मेरे को कोई रीच ही नहीं कर पाता था. मुझे उस समय याद आता था DU इलेक्शन. DU इलेक्शन का पार्ट रहा है क्या, कोई DU इलेक्शन देखा है? आप लोग देखे हो ना, उसमें कैंडिडेट कैसा करता है, केवल दौड़ते रहता है. वो क्लासेस में हाथ दौड़ते रहता है, दौड़ते दौड़ते हाथ सबको ऐसे दिखाता है और क्लासेस में आके स्पीच देता है और फिर आगे भाग जाता है, क्योंकि उसको लोग इतने रहते हैं और उसको सबके पास अपने आप को प्रेजेंट करना रहता है, अपनी थोड़ी सी एक झलक सबको दिखानी रहती है, ताकि वो लोगों को विश्वास में ले सके कि हाँ मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने बातों से किसी भी तरह उनको अपने साथ मोटिवेट कर सके. तो उसी फॉर्म में मैं इलेक्शन लड़ रहा था. मैं बोला कि DU फॉर्म में ही लड़ो. मैं दौड़ते दौड़ते लोगों से मिला, सबके पैर छुआ और इसके बाद लोगों ने भी बहुत प्यार दिया. मैं 25 साल की उम्र में भिलाई में मैंने रिकॉर्ड बनाया, 46,000 वोट से मैं चुनाव जीता, 46,000 वोट से. ऐसा हुआ नहीं था हमारे शहर में कभी. अब मौका मिला मुझे, मैं लोगों ने भी प्यार किया, बोला चलो नौजवान बच्चा है, इसको बना दिया जाए. भिलाई के बारे में आप लोगों को पता नहीं, शायद कम जानते होंगे या जानते होंगे, लेकिन भिलाई जबरदस्त शहर है. भिलाई बुद्ध जीवों का शहर है, इंटेलेक्चुअल्स का शहर है. 1955 में हम इस नेहरू मेमोरियल में बैठे हुए हैं. नेहरू जी की अगर विजन किसी को देखना है तो वो भिलाई आके देखे. जो औद्योगिक तीर्थ का की बात उन्होंने कही थी, उसकी शुरुआत भिलाई से हुई. एक ज़बरदस्त ऐसा कारखाना वहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, जिससे देश भर के लोगों को रोज़गार मिला. देश भर के लोग वहाँ पर आके बसे भिलाई में, जो एक छोटा सा गांव था. उस पे आज के समय 10 लाख की जनसंख्या है और पूरा देश भिलाई स्टील प्लांट को जानता है और प्रभावित भी है कहीं ना कहीं भिलाई स्टील प्लांट की वर्किंग से. तो भिलाई में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब जगह के आपको लोग मिल जाएंगे. रशियन कॉलोनी भी है वहाँ पर, तो हर तरह के लोग हैं वहाँ पर. और उनके बीच से मुझे मौका मिला उस ज़बरदस्त शहर का नेतृत्व करने के लिए. अक्सर मेयर सुनकर मुझे भी ये लगता था, मेयर जैसे ही सुनते हैं तो एक थोड़ी सी ओल्ड एज पर्सनैलिटी दिमाग में आती है मेयर की, है ना. और मुझे भिलाई को लीड करने का मौका मिला 25 की एज में. जब मैं नगर निगम में पहली बार गया, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं उस समय नगर निगम, उसके पहले नगर निगम के अंदर कभी भी नहीं गया था, उसकी इश्यूज़ को समझ रहा था. लेकिन मैं नगर निगम में जब पहुँचा तो सीधा मेयर बनकर पहुँचा, सीधा मेयर बनकर पहुँचा. और मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे लगा कि अब तो मैं
इस संस्था का हेड बन गया हूँ. अब वही थोड़ा सा हवे में आदमी आ जाता है. मैं फिर मैंने सोचा कि अब सारे वादे पूरे किए जाएं. और वहीं पे मुझे ये समझ में आया कि जब एक न्यू जनरेशन पॉलिटिशियन किसी संस्था में जाता है और उसके बाद कुछ करना चाहता है तो उसको क्या क्या फेस करने पड़ते हैं. अभी तक तो बनने बनने की चाहत थी. जब महापौर लड़ा तो यही चाहत थी कि हाँ मुझे बनना है. करना क्या क्या है वो फोकस नहीं था, लेकिन बनना है ये दिमाग में था. बना, बहुत सारे इश्यूज पे मैंने काम किया, समझा पूरे शहर को, शहर के हर कोने पर एक एक दो दो तीन तीन चार चार बार दौरे किए. हर रोज़ सुबह 6 बजे से उठकर दोपहर के 12 बजे तक पैदल चलता था लोगों के बीच में, लोगों से कम्युनिकेट करता था. मुझे एक बात समझ में आती थी, किसी भी गवर्नमेंट को अगर सक्सेसफुली रन करना है तो उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए पब्लिक से, संवाद. अगर संवाद स्थापित रहेगा जनता और गवर्नमेंट के बीच में तो निश्चित रूप से जो भी पॉलिसी बनेगी वो जनता के हिसाब से बनेगी और जनता की सहभागिता से बनेगी, और सहभागिता रहेगी तो निश्चित रूप से सारी पॉलिसी सक्सेस होगी. तो मैं इस तरीके से लोगों से मिलता रहा, जुलता रहा. मैंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, बहुत सारा काम करने की कोशिश की, लेकिन मैं कहीं सक्सेस नहीं हुआ. मुझे बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली. छत्तीसगढ़ के अंदर मैं जिस दल से आता हूँ, दलों की बात नहीं है, सभी दल की बात है. जो जब पावर में रहता है तो उस पावर का मिसयूज़ करता ही है. तो हमारी बारी रहेगी तो हम भी करेंगे, किसी और की बारी रहेगी तो वो भी करता है. तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा, तो मैंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर 12 सालों से दूसरी सरकार थी, देश के अंदर भी मोदी जी आ गए थे. उसके बाद ऐसा वातावरण था कि ऐसा लगा कि अपनी बातों को ज़्यादा नहीं समझा जाएगा. और मैंने बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जिसपे मैंने सोचा एक पॉलिसी के बारे में आपको बताता हूँ. जैसे बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं होता. बॉम्बे आवास आपने सुना है? बॉम्बे आवास, IHSDP आवास, इंदिरा आवास, अटल आवास, यू नो, राइट. हाँ, तो मैं ना जब बस्तियों में जाता था तो मैंने देखा बॉम्बे आवास में बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, बड़ी उनकी स्थितियाँ ख़राब रहती है, प्रॉपर किसी चीज़ की प्रॉपर व्यवस्था नहीं रहती. और वो लोगों का अधिकार है वहाँ रहना, कानूनी रूप से उनको वहाँ पर मकान मिलना चाहिए, लेकिन वो अलॉटेड मकान में नहीं रहते थे, वो रहते थे किराए के मकान पे. वो नाम किसी और के नाम पे अलॉट होता था, लेकिन वहाँ का जो दबंग नेता होता था, जो दबंग नेता रहता था वहाँ का, या जो वहाँ पे थोड़ा सा जिसका पॉलिटिकल दम है, वो वहाँ के अधिकारी के साथ मिलकर 10 घर, 20 घर, 25 घर ऐसे कब्जे में रखता था, और वो गरीब लोगों को 1,000, 1,500, 2,000 रुपये में किराए पर दे के रखता था. मैंने देखा, मैं बोला नहीं यार, ये तो गलत है. अब नए जनरेशन का लोग हैं, अपन लोगों ने सोचा चेंजेस करने हैं. तो मैं उसके पीछे बढ़ गया कि नहीं यार, इसको पॉलिसी में लाया, कैबिनेट, नगर निगम के कैबिनेट में लेके आया, काउंसिल में उसका उसको हमने वो किया कि इसको आप अब जो वहाँ पे रह रहे हैं उन लोग, मूल अधिकार उनका बनता है, उनसे पैसा लेना उचित नहीं है, उनको आप वहीं पर अलॉट करके दीजिए. और ये कानूनन रूप से सही भी था. मैंने अधिनियम पढ़ा नगर निगम का, वो ऐसा हो भी सकता था. लेकिन यहीं पर मुझे ये समझ में आया, चीज़ें इतनी आसान नहीं होती. मैं 3 साल चिल्लाता रहा, 3 साल बोलता रहा, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं समझी. सुनी लेकिन समझी नहीं, क्योंकि तंत्र जनता के लिए कम लगता है मुझे, तंत्र के लिए जनता ज़्यादा लगती है. आज की स्थिति में जो देश में जो हमारा गवर्नेंस, गवर्नमेंट जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, उसमें मुझे यही महसूस हुआ. और इसके बाद पॉलिटिकल अपने अपने प्रेशर कि भाई इससे इसका लाभ हो जाएगा, इससे उसका लाभ हो जाएगा. किसी को मतलब नहीं है कि जनता का लाभ किससे होगा ज़्यादा, सबको इससे मतलब है कि उसकी पॉलिटिकल चीज़ों पे उसको लाभ कैसे मिले, उस हिसाब से चीज़ें चलती है. मैंने नगर निगम, मैं आपको नगर निगम के बारे में भी बताना चाहता हूँ. नगर निगम केवल सफाई, बिजली, पानी तक नहीं है. शहर के अंदर क्या राजस्व लगना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होना चाहिए, शहर के अंदर बिल्डिंग परमिशन कैसे मिलेगी, शहर का स्वरूप कैसा बनेगा, शहर के अंदर एनवायरमेंटल क्या बैलेंस रहना चाहिए, हर चीज़ पर
नगर निगम का कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है और मैं सभी चीज़ों पे लगा काम करने के लिए। उसी तरह मैंने एक चीज़ और उठाई कि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स मैंने देखे, नगर निगम के कोई गवर्नमेंट स्कूल्स तो थे नहीं हमारे यहाँ, लेकिन वो सारे स्कूल्स शिक्षा विभाग द्वारा संचालित थे। मैं बोला स्कूल्स को बनाता हूँ, मैंने बोला कि स्कूल्स के लिए हमारे पास, मैंने देखा राजस्व में कि हमारे पास क्या फंड रहता है, तो देखा मैंने शिक्षा उपकर के नाम से एक पैसा लिया जाता है नगर निगम में, तो मैंने देखा शिक्षा उपकर कितना आता है, साल में 5 करोड़ रुपए आता है। मैं बोला 5 करोड़ बहुत होता है, मैं अपने स्कूलों को तो व्यवस्थित कर दूंगा। मैंने देखा 5 करोड़ रुपए खर्च कहाँ होता है, तो मुझे ये दिखा 5 करोड़ रुपए जो शिक्षा उपकर के नाम पे हम लोगों से, हमारी जनता से वसूल करते हैं, उसको हम खर्च कैसे करते हैं, उसके रोड बना देते हैं, नाली बना देते हैं, उसका गार्डन बना देते हैं, ठीक है, कहीं सामुदायिक भवन बना देते हैं। तो मैं बोला नहीं, ये गलत है। मैं उस पर फिर मैंने शासन हमारा था नहीं, लेकिन लगातार मैं शासन में उसके लिए कम्युनिकेट किया, बात किया, अपने यहाँ से काउंसिल से उसका एक लेटर भी भेजा कि ऐसा करना चाहिए कि ये शिक्षा उपकर का उपयोग, शिक्षा उपकर का जो पैसा है उसका उपयोग केवल हमारे स्कूल्स में करना चाहिए। तो 1.5-2 साल बाद वो लागू भी हो गया, फिर शिक्षा उपकर का इस्तेमाल हम लोग अपने स्कूल्स के लिए करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस मैं फेस कर रहा था, सपोर्ट मिलता नहीं था, क्योंकि पॉलिसी तो मैं बना देता था एज अ मेयर, लेकिन इम्प्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेट्स को करना है, अधिकारियों को करना है, तो उनका सहयोग मिलता नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट में मैं था नहीं, और थोड़ा सा ज़्यादा तेज भी चलता था तो उसके कारण भी गवर्नमेंट के जो वहाँ के बड़े नेता थे तो उन लोगों का भी ये था कि नहीं यार स्लो करो। तो ये सारी चीज़ें चलती थी। उसके बाद अच्छी चीज़ें भी हैं, मैंने ये समझा कि भाई मेरा कोई प्लान सक्सेस नहीं हो सकता, मैं इस बात को मान गया 2 साल मेहनत करने में के बाद। फिर मैंने सोचा इनका ही प्लान पकड़ लेते हैं और इस पे ही सक्सेस स्टोरी बना देते हैं अपनी। मैंने देखा मोदी जी के इस स्वच्छ भारत मिशन जो उन्होंने चालू किया उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे याद है कि मैं पहले गाड़ी का कांच खोलता था और ऐसे करके कुछ भी फेंक देता था, इसके बाद आप लोग भी ऐसा करते होंगे, लेकिन काफी लोग किया होगा ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, यहाँ पे ये मत बोलिए आप, मैं मानूंगा नहीं इस बात को। तो ऐसे करके बाहर फेंक देते थे, फिर इसके बाद धीरे धीरे कांच ऊपर तो करते हैं लेकिन बाहर नहीं फेंकते, क्योंकि ऐसा लगता है यार कोई देखेगा तो यार ठीक नहीं लगेगा, आप वहीं रखो। ये धीरे धीरे अपनी हैबिट में आया। तो मैं बोला यस, ये एक पार्ट ऐसा है जिसपे गवर्नमेंट भी चाह रही करना, लोगों के साथ भी मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ और इसको मिलकर मैं एक सक्सेस स्टोरी बना सकता हूँ। कुछ तो करूँ मैं, कब तक ये चिल्लाते रहूँगा कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मेरी कोई सुन नहीं रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो लोगों के बीच में तो जाता था, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन रहा है मेरे लोगों से, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा इतनी देर में कि हाँ कम्युनिकेशन में कहीं कोई कमी रहती नहीं होगी। इसी बात पे एक बात याद आ गई मेरे को, अभी मुझे लेने आए थे आईआईटी के हमारे दिल्ली के हमारे साथी, तो उनको बताते बताते मैंने एक बात बताई, उन्होंने मेरे को 3 बार उस बात को बोला कि भैया आप जब बोलेंगे ना इस बात को ज़रूर बताना। अभी भी मैं जब ऊपर आ रहा था तो कान में वो कुछ बोल रहा था, वो यही बात बोल रहा था कि भैया ये बात ज़रूर बताना। तो मैं भूल गया था, अभी याद आई मुझे। ऐसा कि जब मैं मेयर बन के मेयर का काम चालू किया मैंने, तब मैं इंजीनियर नहीं बन पाया था, मेरे पेपर्स बैग्स क्लियर नहीं हुए थे। बैग्स थे लेकिन मैं मेयर बन गया था, आईएएस मेरा सेक्रेटरी बन गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन की बात आई, तो स्वच्छ भारत मिशन में मैंने देखा उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़े कि चलिए अब इस पे डेप्थ पे जाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। लोगों को याद रहेगा कि देवेंद्र ने भिलाई में कुछ ऐसा किया जो भिलाई के लिए एक बड़ा परिवर्तन था। तो मैंने देखा स्वच्छ भारत मिशन में जो प्रेसिडेंट होता है, वो जो प्रेसिडेंट रहता है, मतलब जैसे नगर निगम में स्वच्छ भारत कैंपेन का जो प्रेसिडेंट रहता है वो मेयर रहता है, तो मतलब सारे अधिकार मेरे। तो मैंने बैठक बुलाई स्वच्छ भारत मिशन की, मुझे कमिश्नर ने बोला मैंने कर लिए, बोला चलिए ठीक है।
फिर मैंने और प्रयास किया कि चलिए बैठक बुलाइए, मैं अपने हिसाब से दिशा निर्देश दूंगा। तो मुझे उतना जितना सहयोग मिलना चाहिए था वैसा सहयोग नहीं मिल पा रहा। बोला यार यहाँ पे भी जमने नहीं मिल रहा है, तो मैं बोला चलो पब्लिक के पास चलते हैं। फिर मैंने एक कैंपेन चालू किया। मैंने पहले ये समझा कि लोगों को हमको ये बताना पड़ेगा जो सफाई के लिए आपके पास लोग आ रहे हैं उनके उनका वो रेस्पेक्ट भी करें और उनकी चीज़ों वो मतलब अगर कोई रिक्शे वाला आता है तो कचरा नाली में ना फेंकें, कचरा रिक्शे में ही फेंकें, थोड़ा इंतज़ार कर लें, थोड़ा लेट हो सकता है वो, ये हो सकता है कि वो लेट आ रहा है लेकिन इंतज़ार कर लें। तो मैंने क्या किया, मैं वर्दी पहनकर रिक्शा चलाने लग गया। हफ्ते में दो एक दिन 200 घरों में जाता था मैं सीटी वगैरह मारते हुए रिक्शा लेकर कि भाई कचरा दे दो नगर निगम के लोगों को लेकर। तो लोग देखते थे अरे मेयर कचरा लेने आया है। फिर उनसे कम्युनिकेशन होता था। ऐसी लगातार मैं इस कैंपेन को चलाया, हफ्ते में एक दिन कहीं पे नाली सफाई, कहीं पे घुसकर हम लोग कोई ऐसी जगह जो बहुत गंदी है और लोगों के द्वारा गंदी की जा रही है लगातार उसकी सफाई, और ऐसे रिक्शा चालक बनकर टोपी वोपी लगाकर कचरा लेने घर घर जाता था मैं। तो ये करने लग गया। लोगों का भी, भिलाई वैसे भी मैंने बताया इंटेलेक्चुअल लोगों का शहर है, लोगों ने भी हाथों हाथ ले लिया, लोगों ने भी पार्टिसिपेट करने लग गया। इसके बाद मैंने एक प्रोग्राम चलाया, तफरी नाम था उस प्रोग्राम का। मेरे को नाम जब देने की बारी आई तो मैं सोचा नाम तो ऐसा दिया जाए ताकि लोगों को थोड़ा ईजी फील हो। सुबह 6 बजे जैसे हैप्पी स्ट्रीट प्रोग्राम होता है शायद दिल्ली में, वैसे सुबह 6 बजे सारे जितने भी हेल्थ कार्निवल के रूप में सभी स्पोर्ट्स वहाँ पे इन्वॉल्व कर दिए। रोड पे ही हम लोग ब्लॉक कर देते थे और वहाँ सारे स्पोर्ट्स चलते थे और वहाँ लोगों से कम्युनिकेशन करते थे स्वच्छ भारत के बारे में। तो उस पर बहुत भिलाई में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। तो लगातार हर हफ्ते हर संडे बहुत भीड़ आती थी, 8,000, 10,000, 15,000 लोग आते थे। वो जो हमारा लाइन था रोड का 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसे बढ़ता जा रहा था। वो बहुत सक्सेस हो रहा था वो प्रोग्राम। उससे फिर लोगों से और कम्युनिकेशन बनाया मैंने, उस पर सिग्नेचर कैंपेन चलवाया, उस पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, मोर भिलाई के नाम से कैंपेन चलाया, फिर हमर भिलाई सुंदर भिलाई के नाम से कैंपेन चलाया। लोगों का भी सहयोग मिला। इसके बाद फाइनली जब रिपोर्ट्स आए, मैं यहाँ दिल्ली, हम लोगों को बोला गया कि दिल्ली आपको आना है। तो दिल्ली तो मैं आ गया लेकिन ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो अवार्ड्स मिलना चालू हो गए, पहला स्वच्छ शहर इंदौर अवार्ड हो गया, तालियां बज गई। फिर शायद भोपाल था सेकंड, ऐसे करके लाइन से हो गए 8-10 शहर हो गए। मैं बोला अपना नंबर नहीं आया, लग रहा है अपने को बुलाए हैं केवल कि भाई देखो कैसा होता है, ठीक है, और सोचो कि तुम भी इसके पार्ट बन सकते हो अगर तुम ठीक से मेहनत करो। मैं भी सोचा यार रिक्शे विक्शे भी चलाए, नाली में भी घुसा, सब किया, कुछ मिला तो नहीं, लेकिन ठीक है। फिर उतने में थोड़ी देर में मैं, मेरा नगर निगम कमिश्नर नया आया था उस समय, IAS चौहान, तो हम दोनों बैठे थे, मैं उसको देख रहा था। मैं बोला अच्छा सूट बूट पहन के आया हो सर, मैं भी कुर्ता पैजामा पहन के आया लेकिन मौका मिल नहीं रहा अपने को। तो उतने में वेंकैया नायडू साहब की तरफ से अनाउंस हुआ ईस्ट जोन, भारत के ईस्ट जोन में सबसे साफ सुथरा शहर, 6 से लेकर 10 लाख की जनसंख्या वाला शहर भिलाई को बनाया जाता है। मैं गया वेंकैया जी के पास, पैर छुए, उनके आशीर्वाद लिया, फोटो खिंचाई, और इसके बाद मतलब गांधी जी की एक बड़ी सी प्रतिमा उन्होंने दी थी मुझे। उसके बाद बहुत गर्व से भिलाई लेके गया। मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी पॉलिसीज पे को नहीं समझा जा रहा है, लेकिन इनकी तो पॉलिसी है, उस पर मैं क्यों पार्ट नहीं बनकर अच्छा कर सकता। अच्छी पॉलिसी है तो मेरा भी धर्म बनता है करने का। तो मैंने फिर वो तफरी के प्रोग्राम में गया, वो शील्ड लेके, गांधी जी की प्रतिमा लेकर, लोगों को भी बहुत खुशी हुई, लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने सबसे पहले तो मेरे जितने सफाई कर्मचारी थे उनको खाने पे बुलाया, मैंने उनको खाना खिलाया बैठा के खुद सर्व करके कि भाई तुम्हारा पार्ट तो बनता है यार, सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट बनता है। यही सारी चीज़ें थी। इसके बाद मैं पेज पलटा लेता हूँ, कुछ देख के भी बोल देता हूँ।
सारी चीजें ऐसे ऐसे अगर बिना देखे ही बोलूंगा तो भी अच्छी बात नहीं है, कुछ देख के भी बोल देता हूँ, कुछ अच्छे टॉपिक्स भी लिखे थे मैंने, ठीक है। तो ऐसा है कि इसके बाद मेयर था, कुछ अच्छा काम भी करने लग गया था, लोगों को एप्रिशिएशन भी मिल रहा था, लेकिन मैं सोचने भी लग गया था और गंभीरता से सोचने लग गया था। क्लियरिटी तो अभी भी पूरी तरह मिल नहीं पाई है कि मेरा एक्चुअल मैं चाहता क्या हूँ और मेरा टोटल मतलब एक आइडियोलॉजी है, लेकिन उसको अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करके चेक कर रहा हूँ कि क्या सही है। उसी मोमेंट में हूँ मैं भी अभी भी, लेकिन पिछले समय में जो मैंने देखा, मेरा प्रदेश बहुत बेहतरीन प्रदेश है, सभी के प्रदेश बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे प्रदेश में संभावनाएं बहुत हैं, बहुत मिनरल्स है, लोग भी सीधे साधे लोग हैं, लेकिन मेरा प्रदेश नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है ज़्यादातर लोगों के नज़रिए में। छत्तीसगढ़ किस लिए जानते हो आप लोग? नक्सलिज्म, आई नो, सही बोल रहे हो आप, नक्सलिज्म के नाम से आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ को। मैंने देखा मेरे प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरे प्रदेश में रोड्स बन रही है, बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, स्कूल्स हॉस्पिटल्स के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा रहा है, लेकिन मेरा जो उस समय जो मेरी सोच थी, मुझे लगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्नामेंटल है, ये ऑर्नामेंटल डेवलपमेंट लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकता। गांधी जी ने सर्वोदय का नारा दिया था, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक लोगों के इस्तेमाल नहीं आए तब तक उसके बनने का कोई मतलब नहीं है, और वो डेवलपमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने इन सभी चीज़ों पे आवाज़ उठाने चालू की एज ए मेयर। मैं मुखर होकर सरकार के खिलाफ ये बोलता था कि आप स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनाते हो, लेकिन उस स्कूल में प्रॉपर टीचर्स नहीं देते, टीचिंग की व्यवस्था नहीं करते। तो मैं आप हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बनाते हो, लेकिन उस पर आप डॉक्टर्स नहीं देते कि वो वहाँ पे लोगों को सर्व कर सके, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। तो ये मेरा इसके बाद ये लगा कि अब प्रदेश में जो चीज़ें सही गलत हो रही है उस पर भी मुखर होकर बोला जाए, और मैं लगातार बोलने लग गया। चुनाव विधानसभा के नज़दीक थे, आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं ये सोचकर कि मुझे विधायक बनना है इसलिए मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने चला गया, ऐसा नहीं था उस समय। तब तक इतनी मैच्योरिटी आ गई थी कि मुझे लगा कि राजनीति, सार्वजनिक जीवन, ये विधायक, महापौर रहना, किसी पद पे रहना, ये हमेशा नहीं चल सकता जीवन में। कभी भी इस आप ऐसा हो सकता है कि आप विधायक हो, नहीं हो, किसी पॉलिटिकल पोजीशन में हो, नहीं हो, किसी पार्टी में हो, नहीं हो, लेकिन आपके विचार हमेशा आपके साथ चल सकते हैं, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए एक विचार को लेकर। तो मैंने ये समझा कि नहीं यार, अब अपने विचारों की लड़ाई लड़नी है, अब विधायक बनने के लिए नहीं लड़ा फिर मैंने चुनाव, फिर मैं लड़ा अपने विषयों के लिए, लड़ा अपने सिद्धांतों के लिए, लड़ा जो लोगों की नीड्स थी उन नीड्स के लिए लड़ा, बेसिक इशूज़ के लिए लड़ा, और विधायक का चुनाव लड़ा मैंने, और वो भी मैंने ढूंढ कर लड़ा, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ लड़ा, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर, चार बार के एजुकेशन मिनिस्टर थे वो भी बहुत बड़े नेता थे, किसी तरह इलेक्शन लड़ा, और पूरे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की बहुमत आई, 68 सीट्स आई इतने सालों बाद। हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी, उन्हीं ने मुझे सीएम, जो उस समय सीएम नहीं थे, उन्होंने मुझे एमएलए का चुनाव लड़ाया, लेकिन मैं बहुत छोटी सी मार्जिन से जीत के आया, 2800 वोट से मैं जीत के आया। आदमी भी काफ़ी टफ था जिसके खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन वो विचारों की लड़ाई थी, मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं इस बात के लिए लड़ रहा था कि भिलाई के अंदर जो भिलाई स्टील प्लांट हो, पब्लिक सेक्टर्स का के द्वारा जो दोहन किया जा रहा है लोगों का वो हो, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा दोहन किया जा रहा है, जो बेसिक नीड्स है लोगों की वो पूरी नहीं हो रही है, एजुकेशन सिस्टम फेलियर है, हेल्थ सिस्टम फेलियर है, ये सारे इश्यूज़ के लिए मैं लड़ रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि मैं चुनाव हारूंगा भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो इस इश्यूज़ को मुझे ज़िंदा रखना है, इसको मजबूत करना है। चुनाव जीत गया मैं, लेकिन एमएलए भी बन गया, और इस आइडियोलॉजी की लड़ाई चालू हो गई, जो पहले
खुद के बनने की लड़ाई थी, उससे हटकर अब आइडियोलॉजी और बेसिक नीड्स की लड़ाई बन गई। मेरा 70% लगभग महापौर का कार्यकाल कंप्लीट हो गया है, लगभग 1.5 साल मेरे बचे हैं। मैंने चेंजेस देखा ब्यूरोक्रेसी में। जब मैं सरकार में था तब की भी बात मैंने आपको बताई कि मैं बॉम्बे आवास, अटल आवास, IHSDP आवास, इसके लिए काउंसिल में प्रपोजल लाके काउंसिल से पास करने के बाद भी वो काम 3 साल तक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं MLA बना और हमारी सरकार आई, 15 दिन में सारे लोगों को अलॉट हो गया मकान, विद इन 15 डेज। ये चेंज है, इस चीज से बहुत तकलीफ है मुझे। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है तो यहीं पर है कि केवल सेटिस्फाई करने के लिए काम किया जाता है कि हाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पोजीशन पे है, उनको सेटिस्फाई किया जाए। पब्लिक के लिए गवर्नमेंट प्रशासन हर जगह नहीं चल रहा है, मतलब मैं बोलूँगा 10% ही चल रहा है, 90% तो केवल और केवल सेटिस्फेक्शन करने के लिए चलाया जा रहा है कि ये इनकी सरकार है तो इनके हिसाब से कर दिया जाए और मुक्ति पाई जाए। ये सारी चीज़ें, इससे तकलीफ है और मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ मैं भी अपने विचारों के लिए। जब इस सिस्टम के अंदर घुसता हूँ ना, तो इस सिस्टम के अंदर आने के बाद ऐसा लगता है कि यार मेरी नज़र के सामने गलत होते हुए जाता है, करप्शन होते हुए जाता है, मेरी नज़र के सामने होता है ना, मैं उसको रोक सकता हूँ। लेकिन इस सिस्टम के पार्ट में मैं रोकने की भी कोशिश करता हूँ तो मुझसे छुपा के वो हो जाता है जो मैं नहीं चाहता, जो सैद्धांतिक रूप से भी सही नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें होती है हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट में। तो मैं भी अभी जूझ रहा हूँ, अभी तो जूझने वाली स्थिति है। मैं भी सोच रहा हूँ सिस्टम का पार्ट बन जाऊँ या सिस्टम से लड़ते रहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो बहुत छोटी सी उम्र है और सिस्टम लोगों को बिगाड़ती है और हम लोग तो युवा हैं, हमें तो मुखर होकर अपनी बात को कहना चाहिए। तो अभी संघर्ष कर रहा हूँ मैं सिस्टम से और लड़ रहा हूँ। अपनी भी सरकार में मेरी सरकार बन गई है, मैं एक जिस दल में हूँ उसकी सरकार बन गई है, लेकिन अभी भी मुखर होकर, आप सभी मेरे साथियों को यह कह सकता हूँ, अभी भी मुखर होकर मैं अपनी बातें विधानसभा में उठाता हूँ, भले वो मेरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों ना हो, क्योंकि अभी जिम्मेदारी मिली है। MLA और मेयर, इन दोनों के काम में डिफरेंस यही है। मेयर का काम है डायरेक्टली लोगों से कम्युनिकेट करके उनको सर्व करने का, उनको सुविधा देने का। MLA का काम है, MLA का केवल काम है विषय जो पॉलिसी बन रही है उस पर अपने सही विचार रखने का। तो मैं ईमानदारी से विधानसभा के अंदर एज अ यंगेस्ट MLA इन छत्तीसगढ़, मैं अपने विषयों को रख रहा हूँ, बहुत मजबूती से रख रहा हूँ। कुछ विषय है जिस पर काम कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने महिला स्वरोजगार के ऊपर काफ़ी काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यक कोई चीज़ है वो स्वरोजगार पैदा करना है, और ये केवल स्टेट गवर्नमेंट और देश की सरकार का नहीं है, ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने अपने स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर भी हम लोग कुछ समूह को तो रोज़गार दें। उसके लिए मेरा एक प्लान चल रहा है, मदर्स मार्केट हम लोग बना रहे हैं, मदर्स मार्केट, भिलाई मदर्स मार्केट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो चल रहा है और उस पर कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ। जितने भी SHGs ग्रुप हैं उनसे मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है। मैंने ये समझा कि भिलाई नगर निगम, मैं अपने नगर निगम की बात करता हूँ, मेरे भिलाई नगर निगम में हम लोग झाड़ू लेते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, हम लोग ये फिनाइल लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खरीदते हैं हम लोग, जो ये SHG ग्रुप्स बना सकती है। तो मैंने ये प्लान लाया है कि हम लोग SHG ग्रुप को रॉ मटेरियल देंगे, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते नहीं हैं। बहनें हमारी गरीब हैं, जो मतलब BPL श्रेणी में परिवार की बहनें हैं, वो उनके पास पैसे तो रहते नहीं हैं। तो हम लोग रॉ मटेरियल हम लोग उनको अवेलेबल कराएं, वो उसका प्रोडक्ट बनाएं, वो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें और हम एज अ गवर्नमेंट हम उसको और भी जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, वहां पर उसको हम लोग मार्केट दें, वहां पर हम लोग उसको बेच सकें, तब हम लोग एक्चुअली किसी की मदद कर पाएंगे। केवल एक मेरा सोचना ये है कि केवल बिल्डिंग बनाने से मेरा काम नहीं बन जाएगा, उस पर वो हमेशा चलना चाहिए, उस पर लोगों को अवसर मिलना चाहिए, मेरे ना रहने के बावजूद भी वो सिस्टम चलना चाहिए। तो ऐसा एक सिस्टम हम लोग
डेवलप कर रहे हैं उस पर आपसे भी आइडियाज़ मैंने मांगे हैं, आप सभी के मेरे को लगता है सभी लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ मेरे को मिलेंगे और आप लोगों से गेन करके मैं जाके भिलाई में उसको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है। वो वैसे ही स्कूल्स पे भी मेरा फोकस है, स्मार्ट स्कूल एक प्लान हम लोगों ने चालू किया है। मेरे यहाँ पे जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स मेरे यहाँ के, अब देश के अंदर सभी जगह ऐसे ही है, वहाँ पर लोगों के बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, छत से पानी भी टपकता रहता है, कोई बाउंड्री वॉल होती नहीं है, रात में लोग वहीं रूम पे बैठ के जुआ सट्टा शराबखोरी करते हैं स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर, तो ये सब ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यक है किसी विषय पे चर्चा करना तो वो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है। हम अपने बच्चों को अगर शिक्षित कर दें इसके बाद वो अपना वे खुद भी ढूंढ लेंगे, लेकिन हम शिक्षित ही नहीं कर पाते, हम संविधान के बारे में उनको बता ही नहीं पाते, वो ना अपने अधिकार को जानते हैं ना शिक्षा को पूरी तरह समझ पाते हैं। तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ अपने यहाँ पे भिलाई में, हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उस पर केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही नहीं, उसके साथ ही साथ वहाँ पे कोचिंग्स यंग जो हमारे एजुकेशन हब के नाम पे भिलाई को जाना जाता है, वहाँ पे IIT भी है, वहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग्स भी अच्छी होती है वहाँ पे, तो ये जो नए यूथ हैं उन लोगों से कम्युनिकेट करके इंजीनियर से और भी फैकल्टीज से कि आप वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाइए, उनको क्लासेस दीजिए, उनको एक्सपोजर दीजिए, तो ये सारे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारा काम कर रहा हूँ लेकिन बातें बहुत सारी हो गई तो मुझे लगता है कि समय की भी कमी होगी, मेरा 12 बजे तक का समय था, मैं 12 बजे तक तो यही कहता रहा, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया, और भी बहुत सारी बातें हैं दिल में, दिल से बात की आप लोगों से, बहुत 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 अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैं फिर से आप लोगों का आभार करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना, एक बात का विश्वास आपको दिलाता हूँ कि एज अ पॉलिटिशियन हम लोग पॉलिटिक्स को दूर से देखते हैं, मतलब मैं जब ऐसे पद में नहीं था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग तो न जाने क्या कर रहे होंगे और इनकी तो क्या चल रही होगी और ये तो कितने करप्ट होंगे और ये तो ऐसा, लेकिन हर कोई नहीं है ऐसा। हर कोई है नहीं ऐसा, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत बार दुख होता है, बहुत दुख होता है जब हम लोग बहुत दिल से काम करते हैं, दिल से चीज़ों को सोचते हैं और लोग नहीं समझते उस चीज़ को, लेकिन फिर खुशी भी होती है जब लोग समझ के, वैसे ये रिटर्न बैक कुछ मिलता नहीं इसमें, लेकिन अप्रिशिएट करते हैं रिटर्न बैक, तो उसी समय एग्जामिनेशन रहता है चुनाव के समय, तो चुनाव के समय रिटर्न बैक तो मुझे हमेशा मेरे यहाँ के लोगों ने दिया है वापस कि चलो आगे बढ़ो, तुम ये काम के बाद दूसरा काम करो, चुनाव जिता कर भेजा है। लेकिन कभी कभी दुख भी होता है जब हम लोग अपनी बातों को नहीं समझा पाते कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ सुबह 6 बजे से चालू होती है रोज और रात के 2 बजे 2:30 बजे ख़त्म होती है, लगभग ऐसा ही चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है ऐसा, और हर समय लोगों के बीच में रहता हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ कि अपने सिद्धांतों पे टिका रहूँ। सत्ता क्या मदमस्त हाथी जैसा होता है, जो हाथी रहता है ना वो बहुत जोश में रहता है, वैसे ही सत्ता भी रहती है, तो उसी सत्ता मतलब वैसे ही हम लोगों की भी स्थिति रहती है, लेकिन तब भी ये प्रयास है, ये कोशिश है कि राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते सही दिशा में इस देश को लेके जाया जाए, सही बातें की जाए, लोगों को अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाने का प्रयास किया जाए। मेरे भिलाई में 60% लोग BPL के अंदर आते हैं, लेकिन मैं आपके यहाँ पे भी ऐसा होगा, आपको नहीं पता होगा, ये जब मैं डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ तो समझ में आता है, मैं देखता हूँ कि BPL परिवारों को भी जो उनके अधिकार सरकार देती है वो भी उनको पूरे नहीं पहुँच पाते, क्योंकि इतना कम्युनिकेशन गैप है वो परिवारों में और सरकार में। तो इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ जैसे 86,000 फैमिलीज़ हैं जो BPL में आती हैं, मैंने देखा उस पर पेंशन और जितनी भी लाभ मिलनी है वो कितने को मिल रही है, तो देखा 60,000 लगभग मिल रही है, 26,000 लोग अभी भी वंचित है। तो अब मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि
गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचे, मतलब जिनको जो उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अप्लाई करें और नगर निगम के लोग उनको घर जाकर सुनिश्चित करें कि उनके उनका काम हुआ है कि नहीं हुआ। इस तरीके से काफ़ी काम कर रहे हैं। बाकी अपन इंटरेक्ट करते हैं, वरना मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी, ऐसी आप लोग सुनते रहोगे, मैं भी कहते रहूँगा। बहुत बहुत दिल से आभार, आपने बहुत खुशी से सुना, अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। We'll now have a brief Q&A session where Suyash is going to share some of the questions that probably a lot of us will have, and then we'll take it forward depending on the time. Probably we'll open the floor for questions. Let's see. Thank you, Anuva. So, सबसे पहले मैं एक छोटा सा incident share करना पाऊँगा boot camp के पहले। आप सबको पता होना चाहिए कि जब बात हुई यंग लीडर्स को इनवाइट करने की, तो कुछ हमने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों को बुलाएं जो हमारे एज ग्रुप में है, जो बूट कैंप के एज ग्रुप में है और वो इम्पैक्ट ला रहे हो। तो खूब सारे नाम आए और भी लिस्ट हैं, तो मैंने देवेंद्र यादव जी का नाम सजेस्ट किया। तो टीम ने मुझसे पूछा ये किन के बेटे हैं, फिर पूछा अच्छा कौन सी पार्टी से है, फिर इस तरीके से मैंने बताया नहीं इतना इम्पैक्ट है, चेंज आया, तो ये डिसाइड हुआ कि देवेंद्र जी को बुलाएंगे। और फिर हमने सोचा कि आप पहले अपनी पॉलिटिकल जर्नी शेयर करेंगे, हमने रिक्वेस्ट की थी, ऐसा हुआ। और शायद वो रिस्पॉन्स है उससे पूरा जस्टिफाई हो गया है आप लोगों की तरफ से कि हम लोगों का डिसीजन कितना सही था, तो उसके लिए थैंक्स अलॉट। एक सवाल ये है कि यंग लीडर्स हम देखते हैं, हमें भी बहुत सारे लोगों में चाह होती कि हम भी यूथ के बीच में जाएं, वो अट्रैक्शन मिले। आप कॉलेज के समय से पॉपुलर थे, एक सिविक सेंटर एरिया है भिलाई में, मैंने एक बार देखा वहाँ पे एक आदमी निकला रेस्टोरेंट से, कार में बैठ रहा था, उतने में दो लड़के आए, तीन लड़के आए, और 15 मिनट में पूरी भीड़ लग गई, हर यंगस्टर, लड़के लड़की, हर एज ग्रुप के लोग उनसे मिलने के लिए खड़े थे, और वो आदमी सबसे मिल रहा था, वो आदमी देवेंद्र यादव था। तो इस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी है, तो कैसे आप लोगों से इस तरीके से संबंध बना के रखते हैं, क्या आपका किस तरीके से यूथ को, लोगों को पिच करते हैं आइडियाज, क्योंकि आप पिच करते हैं आइडियाज, ये तो लोगों ने जाना नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मेरे मित्र IIT दिल्ली से जो हैं वो मुझे लेने आए, वो मेरे मित्र हो गए हैं अब, ठीक है, हम लोगों की मेरे ख्याल से आधे घंटे की जर्नी रही साथ में और हमारी दोस्ती होगी, और वो भी मुझे अपने दोस्त जैसा समझते हैं, हम दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट किए तो मुझे लगा कि आप भी मुझे अपने दोस्त जैसा ही समझ रहे होगे। वैसे ही कहाँ गए शुभम भाई, शुभम भाई ने ज़्यादा समय नहीं दिया मेरे को, कहाँ गए, अच्छा हाँ वहाँ हैं, लेकिन ठीक है, शुभम भाई से भी मैंने दोस्ती कर ली आगे से, अब शुभम ने की नहीं की वो नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने कर ली। वैसे ही यही है पार्ट कि आप आगे से सब लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाइए, सब लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए, उनको अपने दिल से बात कीजिए, दोस्ती बनती जाती है, रिश्ते बनते जाते हैं और कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है, दैट्स इट। तो पहले जब देवेंद्र जी को इनवाइट किया गया तो उनका शेड्यूल बहुत बिजी था, कोलकाता से आए, लेकिन जब उन फाइल के बारे में ब्रीफ किया गया तो ही टोल्ड मी कि बहुत सारे आइडियाज़ लेके जाने हैं, लोगों को पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनवा के दे दिया, ऑफिस से लगातार कोऑर्डिनेट हो रहा था कि ये प्रॉब्लम है। तो आप लोगों के पास जितने आइडियाज़ हैं वो आप शेयर करिए, जो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर हुए, एंड देन फिर उसको किस तरीके से आगे ले जाना है, बाकी चीज़ें वो देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे देवेंद्र जी को जो आइडियाज़ पसंद आते हैं। तो सबसे पहला जो इशू था विमेन लाइवलीहुड का है, भिलाई में 50% पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन की लाइवलीहुड के लिए, तो क्वेश्चंस आइडियाज लेना चाहेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर नेम एंड योर बैकग्राउंड। गुड आफ्टरनून सर, हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सॉरी बोल भी लूंगा। सो माय नेम इज रोमिला, आई हैव कम फ्रॉम मणिपुर, एंड द रीजन व्हाई आई हैव बीन रियली ईगर to listen to your talk is when it comes to women livelihood, having women market, it has been there in our state, yes, for more than 600-500 years.
So I wanted to share how it is possible. So any place can be made a women's market if you have the item. If you're trying to sell ghar mein jo aise, you know, coriander leaves, hoya, jo bhi, even small items also, if you just bring out and sell and like few other women join, that place can be called women's market. So how it started was before Manipur joined India and all, so the king used to take as a young man for war instead of taking money. So when all the men went for war, women had to fend for themselves. Like, what do we eat? Hum kya kare? So they thought ki like ghar mein jo bhi saman hai, kapra ho ya jo bhi ho, we can start weaving or we can start selling the vegetables we have in our house. So any open space with a roof, no walls, no windows, nothing. So wahi pe they started selling. So jo bhi aisa tanga ya whatever vehicle the, they started parking there. So wahi pe the most important connection between any other stakeholder is parking space, yani auto walas ya, you know, jo bhi, which helps the women reach that space, wahi pe market ho jate. So what the government has done is they made just plain 3 floors, no windows, no walls, nothing. Thoda sa elevation hoga so that the women can sit on top. And agar hamare mein women blacksmith bhi hai, they sell knives, they sell kitchen items, they sell cloths, if they want a small, open a small eating joint, so wahi pe hota hai. No wall, nothing. Just like 2 meter space for one woman, they'd register first, turn hoga, slots hoga, like stall number 21, 22, 23. So like that, people get space. And no men are allowed to sell there. So like men apne aap, you know, they don't enter there to sell. They come to buy, but they don't sell. So if they want to sell, market ke bahar they sell. So I think if you have a handful of women, those who have kuch like chote chote items to sell, you can start a women's livelihood ka thing there, sir. So it's very easy to start off, sir. We just need women to come out. Usually women don't come out. So once the women come out, market wahi ban jate, sir. Any item. Thank you, sir. मैं अभी वहाँ पे विजिट करने आने वाला हूँ. हाँ, मेरा प्लान था. ये आइडिया भी वहाँ से भी मोटिवेटेड था, आपके यहाँ मणिपुर से भी. मैं जब इस पे काम कर रहा था, और मेरा एक ऑफिशियल विजिट भी मैंने बनाया हुआ है. एक बार मैं उसको देखूँगा तो और अच्छे से समझ पाऊँगा, लेकिन आपसे काफ़ी कुछ समझने मिल गया. थैंक यू सो मच. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Thank you so much, sir. So these were the ideas that I had with respect to how we could empower women in Bhilai. Sir, so I hail from Kochi, Kerala. Yes, I went to Kochi once. Your mayor, Sarojni. Yes, sir. Sarojni. Yeah, yes, sir. Naam hai unka. Yeah. Main unke municipal corporation mein unke office bhi gaya hu. Oh. Ek bar Kerala visit pe tha main wahan par. I hope you liked Kerala, sir. Yes, 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 very much. Yes, sir. So I don't know. I'm sure you must be aware of this, sir. So we have a scheme called the Kudumbashri. So what Kudumbashri does is, and it has been hugely successful in Kerala, that it recognizes that women, especially women from poorer backgrounds and lower caste backgrounds, have a very hard time in actually seeking employment and actually empowering themselves. So it's they form many self-help groups. Like Kudumbashri as a scheme organizes many self-help groups within these neighborhoods of, like, let's say, poorer backgrounds and so on. And what they do is they actually, first they provide them with some vocational training. And what they do is they actually give them like opportunities to work. For example, there are community kitchens. There are, let us say, like organic produce and so on. So I think that is one very workable idea, sir, if that's possible. And a second idea too, if I may. So the second idea is actually it's pretty popular. I'm sure it's very, very popular already. It's regarding menstrual health of women. So if the ideas of Arunachalam Muruganandam could be taken into account, I think that would be a very good thing to do. Thank you very much. Thank you. Even the Good Governance Yatra, jo hamara ek program hota hai, Vision India Foundation ka, वो भी सर कुटुंबाश्री विजिट करके आए हैं, तो उसमें बहुत सारे आइडियाज है दैट वी विल शेयर विद यू. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम देयर. ओके, हेलो सर, माय नेम इज गौतमी, मैं बड़ौदा से हूँ. ये एक्चुअली मैंने छोटा सा आइडिया है, मैंने एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट बड़ौदा यूनिवर्सिटी वहाँ पे एक बड़ौदा जहाँ से अभी पीएम साहब चुनाव लड़े थे ना उस समय. हाँ. मैं उस यूनिवर्सिटी का इंचार्ज था, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में आया था. एमएसयू महाराजा. यस यस यस, वेरी नाइस. मैं बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है.
हाँ पर मैं नहीं पढ़ी थी वहाँ पे, मैं विदेश में पढ़ी थी. पर ये एक्चुअली छोटा सा आइडिया जो मैंने अमेरिका में देखा था, और आई डोंट नो इम्प्लाई हो सकता है कि नहीं, वुमेन जनरली स्पेशली आई एम अज्यूमिंग बीपीएल की जो कैटेगरी है, कुकिंग इज अ वेरी कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन वुमेन. और स्पेशली जो छोटे छोटे शहर और गाँव के लोग हैं, वहाँ की जो रेसिपीज और इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स के रेसिपीज है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस भी है और पॉपुलर भी हो सकते हैं. तो आई डोंट नो अगर वहाँ पे एक फार्मर्स मार्केट का कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली प्रोड्यूस भी बेचता है पर कुक्ड फूड भी बेचता है. मतलब वुमेन जो प्रोड्यूस नहीं सेल करते पर घर से खाना बना के जो लाते हैं वो भी बेचते हैं, और काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि टेस्टी भी होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है. और काफ़ी लोग हैं, यंगस्टर्स हैं स्पेशली, जो खुद खाना नहीं बनाते, मार्केट से जाके उठा के तैयार खाना लेते हैं जो हेल्दी है. तो ये पता नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है कि नहीं, नाइस आइडिया. हमारे यहाँ हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्टलर्स काफी हैं, बहुत बहुत चलेगा. तो हॉस्टल है तो बहुत चल जाएगा. थैंक यू. थैंक यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम देयर. हाय सर, आई एम राजीव नीतीश फ्रॉम राजमंड्री आंध्र प्रदेश. आई एम श्योर यू हैवंट बीन देयर. हाँ, आंध्र प्रदेश नहीं आ पाया मैं, लेकिन तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं अभी आने वाला हूँ आंध्र प्रदेश. मेरे यहाँ जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भिलाई, वहाँ पे लगभग 25% पॉपुलेशन जो है वो आंध्र प्रदेश की है. और yes, वहाँ पे अर्नक, एक मिनट, वी हैव अ बॉर्डर विद छत्तीसगढ़. अच्छा, इट्स लाइक 25 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर. यस यस. सो आई वुड ऐड ऑन टू व्हाट रोमिला एंड द अदर गर्ल हैव सेड. देयर इज अ वेबसाइट फ्रॉम गवर्नमेंट, इफ यू नो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, where you could actually sell the produce to government directly, and the buyers will be from the government departments. So you could empower women making their own products and selling it online. Nice suggestion. Thank you. Our team is noting down all the suggestions. So is suggestion ko please, government e-marketplace jaisa portal, this, okay, the content team. Theek hai. So abhi apne paas bhaiya kitna time hai? Time hai na? So we'll try to take all the suggestions. अच्छा, मेरे पास टाइम है, तुम लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं फिर उसको अपन लोग कंटिन्यू करें. अच्छा, आवाज़ नहीं आई है तो देख लो, 10 मिनट में ख़त्म कर देना भाई. अच्छा, अगर आवाज़ आ गई अभी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया, 15 मिनट ले लेना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सो वील टेक ऑल द सजेशन, वील टेक वन बाई वन. वन क्वेश्चन फ्रॉम देयर, फ्रॉम द थर्ड लास्ट रो, या द लेडी. Hello sir, thank you so much for the talk, it was wonderful, we really liked it. So yeah, I guess the idea will work because it worked for me. So I coordinated, I'm from Delhi University only, Indraprastha College for Women, and they do not take part in DUSO elections. So yeah, and yeah, so I coordinated a project in my college. That project is named Project Noor with my senior. So usme humne manual scavenging community ke saath deal kiya. So the we collaborated with SKA, I think you know, that is Safai Karamchari Andolan. Yeah, so they work for them. So the main idea was to remove the stigma from the society that this Valmiki community, I hope you know Valmiki community, yeah, is not meant for cleaning only. So hum Sonia Vihar mein humne ye kaam kiya. So we went to the families and wahan par un ladies ke sath kaam kiya jinke husbands ki death ho gayi thi manual scavenging, matlab cleaning karte hue septic tanks mein. So we thought upon it ki hum kya kare. We actually wanted to empower them by giving employments. So Farooq Nagar pe bhi humne kaam kiya. Farooq Nagar mein what we did was we gave them grocery shops and all. That didn't work because unke paas fridge nahi tha aur hamare paas zyada funds bhi nahi the, SKA ke paas bhi zyada funds nahi the. So Sonia Vihar mein what we did was we contacted one NIFT designer, NIFT, National Institute of Fashion and Technology, yeah. So NIFT designer, and she agreed ki theek hai, she'll come 5 days a week for, not 5 days a week, 2 days a week for 6 months, and she'll train the women. So we booked one room there in Sonia Vihar. We booked one room in Sonia Vihar, and initially we got 8 women with us. They used to come and 6 mahine unki they were trained in making kurtas, tops and all the other like kurtas for men and women. So NIFT ki designer thi to unke paas kafi acche ideas the. SK ke paas fund bhi aane laga to humne unko material bhi diya. Unko lage to 6 mahine seekhne mein, matlab pura kurta vurta seekhne mein unko laga total time 6 mahina.
So they started producing now. They had the idea. We were giving the funds to them and they started making. Initially, they were not motivated. Like, ek, matlab, jab unhone seekh liya, to ek aurat sirf ek per day, ek kurta ya do kurta banati thi. But uske baad unhone matlab hume 100 kurtas bana ke de diye. So I think you know we have fest in Delhi University that's very popular. So what we did was we took it on our side ki theek hai, we will sell, anyhow we have to sell this sell these kurtas. So they were like ki nahi sell hoga, ek bhi sell nahi hoga, hamare kurte banaye hue kurte kaun lega. We were like no, we will sell it. So before college, eco club celebrate karta hai, and trust me, we sold 73 kurtas and the amount was 43,000 that we generated for them. So we gave it to them and they were so happy, they were not believing it. And then they were so happy and they were so motivated that ab ek kurte ki jagah they are making this woman, she makes 8 kurtas a day because she knows that she is going to get money. So there was this NGO with us and they were like ki theek hai aap unse kurte banwa rahe ho but selling to aap kar rahe ho to wo unka empowerment kaise hoga. So make sure ki sell karne bhi aap un aunties ko leke aao taki wo cheeze seekhe. So sabse pehle humne socha hum unko apne college hi bulayenge. So they were very happy, they saw college for the first time and they were like ki aaj hume bahut kuch seekhne ko mila, and they were selling it all and they were very happy. So now they have produced, I think we started the project 6 months, it's been 6 months only. So they produced 300 kurtas in a month and we've sold most of them in the DU ka fest, like Rodimal College, Ramjas College, Hindu College. We took the slot as NSS unit, ki NSS, shall I be brief? Okay. Yeah, so we sold the kurtas and we generated around 2 lakhs from that. And they're really happy. I think it will work, yeah. Thank you. Really appreciable. और मैं आपसे इसमें हेल्प भी ले लूँगा, ठीक है? जो भी आइडियाज आपको पसंद आएंगे तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम शेयर करते जाएंगे. सभी के आइडियाज अच्छे हैं. बिल्कुल. So one question from now we'll take few questions from this side. We'll take all the questions. Yeah, the person there. Should I go? Yes. सर आपकी इजाजत हो तो शिक्षा पे बात करना चाहूँगा. शिक्षा पे इसके बाद आते हैं एक बार. फिर ठीक है. शिक्षा पे वाला ले लेते हैं. So sir, first of all, thank you so much for your honest sharing. आपने बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो शेयर करा वो बहुत कनेक्टिंग था, बहुत अच्छा लगा सुन के. सभी लोग इंजॉय कर रहे थे. Enjoyed. हाँ. सर मेरा जो क्वेश्चन है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, फॉर स्पेशल वुमेन जो फिजिकली डिसेबल होते हैं और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं. मैंने एक बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए काम करा था. तो हमने लेमन ट्री करके एक 5-star होटल है उनको अप्रोच करा था कि वो इन लेडीज़ को अपने यहाँ पे ट्रेनिंग देकर इनको जॉब प्लेसमेंट दें. तो जो होटल मैनेजमेंट जो प्रोग्राम होता है इस तरीके से उनको 6 month की ऑन जॉब ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद होटल ने उन्हें प्लेस करा जिसमें उनको मिनिमम सैलरी भी 13,000 से स्टार्ट की गई ह्यूमन ट्रैफिकिंग की लेडीज़ के लिए. सेम प्रोग्राम हमने उसी होटल में स्टार्ट करा था डिफरेंटली एबल लेडीज़ के लिए जो मतलब सुन या बोल नहीं सकते. तो एक एनजीओ के साथ हमने एक पार्टनरशिप कराई थी उनकी. वो एनजीओ उन बच्चों को ट्रेनिंग देती थी कि कैसे सफाई करी जा सकती है और साइन लैंग्वेज उन्हें सिखाती थी लेडीज़ को. और मतलब हमारा वो प्रोग्राम 1 साल चला वहाँ पर और 1 साल में एक इवेल्युएशन होता है होटल का कि भाई कौन एम्प्लॉय कितना अच्छा काम करता है. तो वो जो डिफरेंटली एबल लेडीज़ थी हमारी उनका भी इवेल्युएशन हुआ और जो नॉर्मल स्टाफ है जो IHM से होटल मैनेजमेंट करके आते हैं उनका भी इवेल्युएशन हुआ. तो उस इवेल्युएशन में हमारी जो लेडीज़ थी उन्होंने 94% स्कोर करा और जो IHM से आए थे उन्होंने 72% स्कोर करा. तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो सर बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट की स्कीम बहुत सारी हैं, बट एक प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस. अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स को ही हम अवेयर कर दें लेडीज़ को तो आई थिंक वो बहुत बड़ा गैप हम कवर कर देंगे. थैंक्स अ लॉट. आप सबके सजेशंस मैं ध्यान से सुन रहा हूँ और इस पर इम्प्लीमेंटेशन का भी प्लान मैं करूंगा और आप लोगों
से साझा भी करूँगा मेल में, भले वो जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बताया वो बात हो या फिर NIFT के टीचर्स को इन्वॉल्व करके के वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो, सभी पे काम करेंगे अपन। So we are doing similar work in Andhra Pradesh, sir. हम SSJ का काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में. So women are get the raw material at their house and they are processing the products at their house and they sell to us. So the problem with this is every village has its own produce. There is a product for every village. So when, for example, when one village is dealing with soaps, they had very less margin. When the other village is working with detergent, the margin is quite higher. So what we have done is, at the time of procurement from those women, we are giving a marginal cost to them. But after aggregation of all the products and all the margin we get from them, we are giving it, we are distributing the surplus equally and we are sharing it to all the villages. So we are at a quite small stage, but this is something which we have identified there. So that the revenue distribution, in spite of the product the women is processing at their home, the revenue sharing is quite equal. So that's something we have implemented there. जब मतलब clusters में जब production होगा तो उसको revenue जो आएगा उसकी equal sharing होगी अलग अलग, भले अलग अलग produce हो रहा किया जाए. Okay, we'll take a question from first row, then we'll move to backside for some questions. नमस्ते, मेरे नाम मोम बैनर्जी है. मैं कलकत्ता से हूँ लेकिन मैं कलकत्ता से ही आ रहा हूँ. मैं हाँ, मैंने अभी सुना लेकिन मैं अभी फिलहाल बैंगलोर में रहती हूँ. मेरा एक खुद का एनजीओ है जहाँ पे हम बच्चों से काम कर बच्चों के साथ काम करते हैं. मेरा अपने 4000 बच्चे हैं, अभी 9 साल से काम कर रही हूँ. तो अब मेरा एक छोटा सा सजेशन है, पता नहीं होगा कि नहीं, बैंगलोर के मार्केट में ये हो रहा है. जो मेरा 4000 बच्चे हैं ये सारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे जिनको हम धीरे धीरे ब्रिज प्रोग्राम कराते हुए स्कूल में लेके आ रहे हैं. तो उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि उनके माँ मतलब मदर्स जो हैं अंडर एम्प्लॉयड हैं, तो कुछ कर सकते हैं. बैंगलोर मार्केट में काफ़ी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की चाहत हुई है फिलहाल, और सबसे ज़रूरी एक चीज़ हुई है कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहते हैं सिटीजन्स या शॉप्स. तो हमने ये नया चीज़ शुरू किया है समर कैंप करते हुए. बच्चे और माएँ ठोंगा आप समझते हैं, लाइक बंगाली में हम लोग ठोंगा बोलते हैं उसको, मतलब पेपर का एक बेस थोड़ा ब्रॉड होता है जिससे कि आप दाल चावल सब कुछ मतलब चीज़ें ले सकते हैं. ये फ्लैट नहीं होते हैं, ऐसे थोड़ा होता है. तो वैसे चीज़ हमने बनाई और काफ़ी सारे पेपर कप्स, पेपर बैग्स, पेपर का वो ठोंगा एंड क्लॉथ बैग्स, और इसकी डिमांड बढ़ते तो इतना बढ़ जा रहे हैं कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज माय स्मॉल सजेशन. पता नहीं ये भिलाई में हो सकता है कि नहीं. जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता है, आपके सजेशंस लिए जा रहे हैं. कोलकाता की बात आई तो मैं एक अपनी पर्सनल बात ये भी बची हुई थी, तो मैं बोला ये लास्ट मेरी पर्सनल लाइफ की कुछ लास्ट चीज़ है, मैं बोला आपसे शेयर कर लेता हूँ कोलकाता से रिलेटेड. मेरी वाइफ कोलकाता में रहती है और वो अभी वहाँ से DNB कर रही है, CMRI हॉस्पिटल जो आपका है, कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहीं से DNB कर रही है माइक्रोबायोलॉजी से. इसलिए कोलकाता में जाता भी रहता हूँ और वहाँ के जो कल्चर है उससे काफ़ी फ्रेंडली भी हूँ. थैंक यू. ये लास्ट चीज़ नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ की, आपको एक और बात बताना पड़ेगी, आपकी शादी की स्टोरी. तो वील एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ इससे पहले. अभी मैंने भैया से पूछा मेरी शादी की स्टोरी तुम्हें कैसे पता, ये बताओ पहले. तो वो तो सबको वहाँ पे जानने की, सबको पता है कि आपकी कितनी जितनी एक्साइटिंग आपकी पॉलिटिकल लाइफ रही है उतनी पर्सनल लाइफ. तो अभी मैंने इनसे पूछा कि एक बार मैं आया था तो आप सरगुजा गए हुए थे जब आप नए नए MLA बने, तो बोले हाँ वहाँ पे कुछ काम था. तो मैंने पूछा, अब मैंने ऐसे ही पूछ दिया कि क्या काम था, तो बोले कि वो हमारा एक NSUI का लीडर था जब मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, उसको अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना थी लेकिन उसके घर वाले मान नहीं रहे थे, तो मैं उसके घर वालों को मनाने गया था.
तो इसी तरीके नहीं, अगर पर्सनल रिलेशंस हैं तो वो पूरे निभाने चाहिए ना। अगर किसी से है दोस्ती, प्यार है किसी से, हमारा वो साथी है, तो ठीक है यार, अब इतना साथ दिया तो शादी भी हम ही करवाएंगे फिर। पूरा समय तो उसने हम ही दे दिया, अब के थोड़ा बहुत मनाने में मदद कर रहे हैं। मेरी वाइफ जो है, हम लोग क्लास 11th में एक दूसरे से मिले, वो बायो सेक्शन में थी, मैं मैथ्स में था, केमिस्ट्री क्लासेस में हम लोगों की मुलाकात हुई। केमिस्ट्री क्लासेस में हमारी मुलाकात हुई, इसके बाद ये स्टोरी मैंने छुपा ली थी यहाँ से बोलते बोलते, क्या है, मेरा मन कहीं इसलिए नहीं लग रहा था। 12th के बाद मैं भोपाल चला गया ना, तो मन नहीं लग रहा था भोपाल में, मुझे लग रहा था भिलाई में ही कुछ करना है। उसके पीछे का थोड़ा रीज़न ये भी था। फिर मैं जब भिलाई पहुंचा तो मेरी वाइफ चली गई बाहर, एब्रॉड चली गई पढ़ने, वो तो 5 साल फिर वो बाहर थी, मैं भिलाई में था। वो भी यही कहती थी, करोगे क्या तुम, पढ़ाई तो करते नहीं हो और तुम्हारी ये पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन हो गया धीरे धीरे सारी चीज़ें। अभी वो MBBS करने के बाद वो जॉब कर रही थी एम्स में, फिर उसके बाद उसका DNB में सिलेक्शन हो गया, तो अभी वो वहाँ से DNB कर रही है कोलकाता से। थैंक यू, थैंक्स लॉट। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आयरा है। सर मेरे जो जो अभी सबने बोला है, मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा सा काम किया है कच्छ में। प्लीज। तो कच्छ में अंजार तालुका में थोड़ा एजुकेशन एम्पावरमेंट में, दोनों में, तो जैसे सबने बोला, जैसे उन्होंने निफ्ट की बात की, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं ना, आप डालेंगे उसे वुमेन में, तो बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि जबकि वो रिलेटेड नहीं होते, लोगों को एक्चुअली वो चाहिए नहीं होता। तो वहाँ पे कच्छ में हमने क्या किया था कि हमने बाहर से डिज़ाइनर्स बुलाते थे, और इंस्टेड एक सप्लाई, एक डिमांड क्रिएट करने की जगह हम वहाँ पे उनसे पूछते थे उन्हें क्या चाहिए, और स्पेसिफिक डिमांड पे फिर हम चीज़ें बनवाते थे। एंड वो क्योंकि स्पेसिफिकली हैंडमेड डिमांड पे बनता था, इसलिए वो ज़्यादा भी प्राइस पे बनता था एंड बेनिफिट भी ज़्यादा होता था। एक तो वो था, एंड दूसरा एक थिंग जो मैं करंटली वर्क भी कर रही हूँ, जिसपे एक सस्टेनेबिलिटी कमिटी होनी चाहिए हर जगह पे। तो अगर एक गवर्नमेंट लेवल पे या तालुका लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जब हर वुमेन को आप अगर एलोकेट करेंगे क्लस्टर्स में, एंड वो हर हाउसेज में जाके अगर कुछ वेस्ट की चीज़ें कलेक्ट करेंगी, एंड बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो वही प्रोडक्ट्स बना के या तो उन्हीं घर में वापस जाके दे कि वो लोग उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी करके दे एंड वो वही वापस करें, या एक जो आप मार्केट की बात करें उसमें वो ये लोग प्रोड्यूस करके सेल कर सकते हैं। एक तो ये था, एंड जब उन्होंने मेंसुरेशन पैड्स वगैरह की बात की, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी, तो उसमें एक और एक सब्सिडरी बिजनेस की तरह एक और चीज़ भी, क्लॉथ पैड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। क्लॉथ पैड्स इंडियन यूजर्स स्पेशली रूरल एरियाज में इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट एब्रॉड और अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा डिमांड है, एंड सप्लाई इतना नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स भी नहीं है। तो ये एज अ सब्सिडरी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चलता है, एंड ऑरोविल मॉडल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। थैंक यू। हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ भिलाई में भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ नगर निगम के द्वारा जितने भी आप समझ ये साइकिल स्टैंड जो होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्टरशिप पे दिया जाता है ना, जितने भी कॉन्ट्रैक्टरशिप पे अभी जो नई पॉलिसी के हिसाब से दे रहे हैं, मैंने उसमें पॉलिसी ही चेंज कर दी है। पॉलिसी ये कर दी है कि ये केवल महिलाएं चलाएंगी, तो अब हमारे शहर में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे इसके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब भले वो शौचालय बनाने के हो, संधारण करने के हों, या साइकिल स्टैंड्स के हों, ये सारी महिलाओं को ही हम लोग दे रहे हैं, तो इससे भी हम लोग स्वरोजगार देने का कोशिश कर रहे हैं अपने यहाँ पर। तो हम लोगों के साथ एक फॉर्मेट शेयर करेंगे, वील शेयर द फॉर्मेट विद द पार्टिसिपेंट्स, उसमें यू कैन गिव योर सजेशंस, वील शेयर ऑल द थिंग्स विद हिज ऑफिस, एंड ऑल द थिंग्स मीन्स भैया इज अश्योर्ड दैट विल बी टेकन केयर, एवरी सजेशन विल बी रेड, यू विल बी कॉन्टेक्टेड बैक। नहीं ब्रदर, आपका अभी एजुकेशन पे है ना, आपका आएगा सजेशन, आप इतना परेशान मत हो, मैं देख रहा हूँ आपको बहुत देर से, सबको नोटिस कर रहा हूँ, और अगर किसी
एजुकेशन पे आते हैं अभी अपन लोग, इसके पहले एक लास्ट और इस पे। अच्छा, मदर्स मार्केट पे एक लास्ट। सो मदर्स मार्केट पे अनुभव, यू हैव इंटरेक्टेड, आप बोलो। या द पर्सन इन द फोर्थ रो, द गर्ल इन द फोर्थ रो। हेलो, हाय, माय नेम इज बरखा। एक्चुअली अभी बस हम लोग आपस में डिस्कस ही कर रहे थे, जैसे आपका इंट्रोडक्शन जब पढ़ा था, यू हैव इन्विजन्ड अ वुमेन मार्केट रन कम्प्लीटली बाय वुमेन, राइट? सो सबसे बड़ा जो मुझे भी लगता है कि एक हिंड्रेंस आता है एक काम करने वाली औरत के ज़िंदगी में, वो तब होता है जब उनके पास छोटा बच्चा होता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट जो क्रच फैसिलिटी होती है, मैंने अपने ऑफिस में भी ये चीज़ पिच करी थी समटाइम बैक, दैट हर जगह जितने भी जहाँ पे काम करे, जैसे मार्केट एरिया जो होगा वहाँ पे एक साइड में मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं एक क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जिस क्रच में जहाँ पे ये बच्चे होंगे वहाँ पे भी जो औरतें काम करेंगी उसको भी इनका पैसा मिलेगा, बच्चे भी जब तक वो काम कर रहे हैं एटलीस्ट दे नो कि वो सेफ हैं कम्प्लीटली, फैमिली डिपेंडेंसी विल गो डाउन। सो दैट्स लाइक वन थिंग दैट आई थिंक दैट। थैंक यू। सो वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन एजुकेशन एंड द अदर स्पीकर हैज स्टार्टेड फ्रॉम इट्स प्लेस, तो हमको वी हैव टू रैप अप। ओके, सो एजुकेशन द काफ़ी देर से नंबर नहीं आ रहा था तुम्हारा। काफ़ी तेज रहा थी सर। तो सर मैं झारखंड से हूँ और पिछले दो साल से झारखंड। कहाँ पे झारखंड से? धनबाद। धनबाद से? अरे वाह यार, हमने तो मूवी देखी है धनबाद के ऊपर, आप लोगों ने भी देखी होगी गैंग्स ऑफ वसेपुर। सर हालात तो कुछ वैसे ही वहाँ पे, बट पिछले दो साल से मैं सूरत के सरकारी स्कूलों में काम कर रहा था सर्व शिक्षा अभियान के साथ। सर तो मुझे बस एक चीज़ राय रखनी थी आपके सामने, कितना देखा मैंने पिछले दो सालों में, तीन कड़ियाँ हैं, एक स्टूडेंट है, एक पेरेंट्स है और एक हमारा ये हो जाएगा इन जनरल क्या बोलते यूनियन आप कह सकते हैं, या मतलब टीचर्स, राइट? पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एंड यूनियन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है पूरा रोल में प्ले करने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉलिसी लाएंगे जो कितना भी अच्छा हो स्टूडेंट के लिए, शायद वो एक्टिविटी बेस्ड हो, NCF को फॉलो करे, सारे आइडियल्स को फॉलो करे, अगर टीचर्स का बाय इन नहीं होगा वो नहीं करेंगे, अगर टीचर अपने जॉब में स्माइल नहीं करेगा उसका इम्पैक्ट क्लासरूम में नहीं आएगा। तो एक दिक्कत है कि हम कैसे पॉलिसी को ऐसा फ्रेम करें जो तीनों मुद्दों को साथ में लेके चले, उसमें यूनियन का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं यूनियन में बिलीव करते हैं। उसके अलावा और एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की, कम्युनिटी और स्कूल में, तो स्कूल में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है कम्युनिटी को अता पता नहीं होता और मोस्टली उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो ऐसे इंस्टेंसेस में देखे थे जब टीचर्स गए थे कम्युनिटी में तो कम्युनिटी वाले ने उनको गाली दिया, और ऐसे भी हुआ है कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे, एक इंस्टेंस था हमारे वहाँ पे, केस स्टडी थी जब हम काम किया था, बच्चे नहीं आ रहे थे स्कूल में नहीं आ रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने पूरा स्कूल को टीचर्स हेडमास्टर सारे बच्चों को लेके हम गाँव में घुस गए एंड हर घर में चले गए हम, कि पूरा स्कूल सामने है और सामने घर बच्चे का, एंड हमने बातचीत की, बट कंडीशन ये था कि हम धमकाएंगे नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कल से अपने बच्चों को स्कूल भेजो, हम पूछेंगे क्या दिक्कतें हो रही है आपको, हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, तीन दिन तो छुट्टियां थी बट नेक्स्ट डे 100% अटेंडेंस था, राइट? सो हम इन जनरल कैसे उस ब्रिज को हम गैप करते हैं पॉलिसीज में एंड टीचर्स की फीलिंग्स को और भावनाओं को भी साथ में कैसे लेकर चलते हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट, यही मेन बात है कि संवाद, किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में संवाद स्थापित होना आवश्यक है। हेलो सर, माय नेम इज रितेश, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से जी। तो एक्चुअली मैं भी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को मतलब लीड कर रहा हूँ। कौन सी? यंग इंस्पिरेटर्स नेटवर्क, इट इज द फोरम ऑफ सका मीडिया ग्रुप। तो उसमें मैं अपने कॉलेज का भी प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट का भी था और स्टेट का भी मैं डेप्यूटी सीएम, उनका एक शैडो कैबिनेट था। वेरी नाइस। तो मैंने मतलब इसमें काम करता था तब मुझे मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व किए, तो उस पर हम काम कर रहे हैं अभी, हमारा 4 MLA के साथ महाराष्ट्र में काम भी चालू है। काम यह है कि जो आपने बोला था कि मतलब ग्रास रूट कॉमन पीपल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स, इनमें जो गैप जो इंक्रीज हो रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि हम जो MLAs के साथ काम कर रहे हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, स्कीम्स है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। कैसे जो कैसे करते क्या करते हम बाद में डिस्कस करेंगे ही। तो उसके साथ साथ ही रूरल डेवलपमेंट पे भी हम काम करते। तो अब तक हमने खाली एक ब्लॉक का एग्जांपल दे रहा मैं,
एक ब्लॉक में 50,000 प्लस लोगों को मतलब हम उन तक पहुंचे, मतलब एकदम अच्छा प्रोजेक्ट है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि जो 4 MLA के साथ हमारा काम चालू है, लास्ट टाइम वो जितने वोट से आए थे उससे डबल वोट से जीत के आएंगे। मतलब मैं मतलब कैसे आएंगे क्या, मतलब क्योंकि हम डायरेक्टली लोगों तक पहुंच रहे हैं, मतलब स्कीम से आपको मैं सब रिपोर्ट्स वगैरह कैसे पहले कैसे था अभी क्या है, कैसे लोगों तक पहुंचे, क्या पैसे, मतलब वो सब डिटेल में हम मतलब बोलूँगा मैं बाद में। तो हम मतलब चाहते हैं कि ये सेम प्रोजेक्ट हम अपने मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशनसी में मतलब अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट, थैंक यू। तो सर आपका टाइम कब मिलेगा मतलब इसके लिए डिस्कशन? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है सर आपको। अगर मैं पूरा मतलब मैं तो मतलब ज्यादा काम नहीं करता उसमें, भैया के ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको मतलब जी जरूर आप लोग एक बार संपर्क करके आ जाइए, हम लोग एक हेल्दी कन्वर्सेशन आपस में कर लेंगे। मैं भी सारी चीजें करता हूँ, ये जितनी चीजें आप बता रहे हैं ना, मेरी मतलब फ्रंट में तो हूँ मैं पॉलिटिक्स पॉलिटिकल फेस, लेकिन पीछे एक बैक टीम है जो सारे इश्यूज पे पब्लिक से कम्युनिकेशन लेकर सभी चीज़ों पे काम करते हैं हम लोग। तो अच्छा रहेगा, आइडिया शेयर करेंगे आपसे, कुछ और आइडिया गेन करके उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। प्लीज आप सर मतलब कैसे कॉन्टेक्ट करें आपसे? ही इज द पर्सन। ओके नो प्रॉब्लम, यस थैंक यू। सो सर अब एक क्वेश्चन हमारे सबसे सीनियर डेलीगेट से, हमारे बूट कैंप में जो हमारे, हाँ सर एप्रिशिएट देवेंद्र जी, आपने इतना अच्छा आपका एक्सप्रेशन और आपका लाइफ स्टोरी भी बताया। मेरा कहना है कि मैं बहुत साल से डेवलपमेंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। अभी जो मैं करता हूँ कि ताकि कोलकाता, मैं कोलकाता से आया हूँ, तो आप जानते हैं कि जो CSR एक्टिविटीज़, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो अभी मैं हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, वन ऑफ द सिस्टर कंसर्न ऑफ कलकत्ता स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, संजीव गोयनका जी का जो ये है यूनिट है, तो वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम, इटसेल्फ इज अ चाइल्ड अब्यूज, हम लोगों की देश में अभी बर्निंग इशू है आपको पता होगा। तो मैंने वहाँ पे उन लोगों ने मेरे को बताया कि चाइल्ड अब्यूज इटसेल्फ इज अ ग्रेट प्रॉब्लम इन आर डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ये ट्रैफिकिंग साथ साथ स्कूल में अब्यूज, इवन इफ फैमिली में अब्यूज, एक बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो कैसे इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जरिए बच्चे को एम्पावर किया जा सकते हैं, और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने उसको एक प्रपोजल मतलब एक विजन ये बनाया था कि ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसको साथ जोड़े, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक उनका फायदा होगी क्योंकि इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, क्योंकि एंटी सोशल एक्टिविटीज और क्राइम रेट्स घटेगा, और स्कूल में बच्चे लोगों को साथ ही साथ स्कूल टीचर्स लोगों को इस चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन का जो पॉक्सो साथ ही साथ चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में उन लोगों को पता होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्ड होना चाहिए, और एक चीज चाहिए कि ताकि वो लोग एक स्कूल लेवल कमिटी बनाए जहां पे हर जगह का रिप्रेजेंट, हर स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो वहां पे सक्सेसफुली हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया उन्मेश इन एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जो पंचायत वहाँ पे नगर पंचायत, ये सारे लोगों को उनको साथ इन्वॉल्व किया, पेरेंट्स लोगों को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि अर्ली चाइल्ड मैरिज इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, आपको काफी सारे स्टेट right. में आप डिस्ट्रिक्ट में देखे होंगे। तो साथ ही साथ इतना सारे इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे थ्रू सिंगल इंटरवेंशन प्रोग्राम। That program, right now, I am giving the consultancy support to the corporate, under the head of corporate social responsibilities on behalf of the Holdia Energy Limited and others corporates as well as Holdia Petrochems, you know. So, hum log, we, abhi, main individual ki taraf se kaam kar raha hun. Main previously, I have worked in various national, international organizations, but right now, I need to stay in Kolkata only because of my beloved daughter. She is pursuing her studies, so abhi
उनको टाइम देना है. थैंक यू वेरी मच. जस्ट आई एम हियर, लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू इन एनी वे इन योर इशू. थैंक यू वेरी मच. सो नाइस. एक लास्ट क्वेश्चन इन 30 सेकंड्स. आई नो आई डोंट नो इफ आई कैन मैनेज दैट. मेरा नाम निवेदिता है. अयोध्या में मेरा जन्म हुआ. अभी मैं बॉम्बे में रहती हूँ. मेरी जो माँ है वो एक गांव के प्राइमरी स्कूल में प्राचार्य हैं और ये अयोध्या से ही थोड़ा दूर है. जो जितना मुझे समझ में आया है वो 30 साल से लगभग वहाँ पे कार्यरत है. जो नियुक्ति होती ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो क्योंकि आप MLA भी हैं तो जो गांव में जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगी. वहाँ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. जो नियुक्तियाँ होती हैं उनमें काफ़ी ब्राइबरी दी जाती है और उसकी वजह से जो टीचर्स का जो वैल्यू वो क्रिएट कर सकते हैं उनकी एफिशिएंसी वो कम हो जाती है. और ये एक बहुत ही नेक्सस है सबका, तो उसके ऊपर देखना पड़ेगा. जो दूसरी चीज़ है विज्ञान, वो उनका गर्ल्स का स्कूल है तो विज्ञान को वहाँ पे प्राथमिकता नहीं दी जाती. एक मेरे ख्याल से हर एक स्कूल में सेकेंडरी लेवल स्कूल में लेबोरेटरी होना ज़रूरी है. तो क्योंकि मैं संपर्क में रहती हूँ लड़कियों के साथ तो मुझे इतना मालूम है कि वहाँ से कोई भी लड़की इस तरह से नहीं निकल के आई है कि वो किसी बहुत बड़े क्षेत्र में जाके कार्य कर पाए. तीसरी बात जो मिड डे स्कीम है, मुझे नहीं पता कि आपके वहाँ पे किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन मेरी जो माँ है उनकी स्कूल में जो गांव की महिलाएं हैं उन्हीं को बुला करके वो कार्य दिया जाता है. तो शायद अगर हर, क्योंकि गांव में आजकल एक प्राइमरी स्कूल खुला जा रहा है, तो अगर उनको वहां पे कार्य करने को मिले तो उससे भी महिला सशक्तिकरण में हेल्प मिलेगी. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ फॉर ऑल द आइडियाज. और मैं विजन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, सभी डेलीगेट्स की तरफ से देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. और आप सभी के आइडियाज़ ये अश्योर करता हूँ उन तक पहुँचाए जाएंगे. और मदर्स मार्केट की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उन्होंने अभी मुझे उसकी फ़ोटोज़ भी व्हाट्सएप करी, वो भी आपसे शेयर करेंगे. तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि जो आपके आइडियाज़ हैं वो कहाँ इम्प्लीमेंट होने वाले. एंड अनुवा, thank you so much for your time, Devendra ji. Everybody here clearly has loved the experiences that you have shared and the time that you've spent with us. We'd like to share a small token of appreciation from our side. I'd like to invite Ms. Anna from our team, who will hand it over. We also have a fruit basket to celebrate the gift of health for Mr. Devendra. The next session will begin immediately within